हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जिसे हम लोग मॉम के नाम से भी जानते हैं। इसका मॉड्यूल नंबर 2 का आज हम लोग मैराथन देखने वाले हैं। इसके पहले मॉड्यूल नंबर 1 का आपको रेगुलर क्लास करवा के कंप्लीट कर दिया गया। एक बार जो लोग मॉड्यूल नंबर 1 नहीं देखे हैं, एक बार जाकर उसका प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। एक दिन का टाइम दीजिएगा, आपका मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? बस एक दिन का टाइम है, क्योंकि 10-11 लेक्चर होगा, 20-25 मिनट का होगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो एक बार मॉड्यूल नंबर 1 देख लीजिएगा, उसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का। लेकिन आपको यहाँ पे हम प्रॉब्लम नहीं होने वाले होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम खुद जीरो से स्टार्ट करेंगे। यानी जो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए वो हम आपको नहीं भी रहेगा, तो यहाँ पे हम पहले उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद समझाएंगे उस टॉपिक को। तो इसलिए कोई भी टेंशन, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना, बस आपको अच्छे से वीडियो को देखना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलना है, रिवीजन करते चलना है, ठीक है? मान लीजिए कोई मॉड्यूल है जिसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो उसको आपको थ्योरी का प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि यहाँ से थ्योरी ऑफ फेल्युअर है, उससे आपका क्वेश्चन पूछा गया है ना। थ्योरी ऑफ फेल्युअर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका पूछा गया, तो एक बार जो भी पढ़िएगा उसको अच्छे से रिवीजन करते चलिएगा। मॉड्यूल नंबर 1 में क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाएं। अगर आप लोग पढ़े होंगे और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो एक बार प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी अगर आपको डाउट आता है तो आप जरूर हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉड्यूल नंबर 2। और यहाँ पे जो यहाँ पे जनरलाइज्ड स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में स्ट्रेस एंड स्ट्रेस स्ट्रेन टेंसर को पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम आपको ओवरव्यू स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में समझाएंगे। हम पहले ही आपसे प्रॉमिस कर चुके हैं कि आपको इस सब्जेक्ट में हम दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि बहुत लोग का मैसेज था कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। एक बार मॉड्यूल कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आएंगे अगर टाइम बचा तो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लाना ही लाना है, ठीक है? वो भले कितना भी मेहनत करना पड़े, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस सेशन देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है, जैसा कि आप आरसीसी में कर रहे होंगे, ठीक है? जियोटेक्निकल में किए होंगे, ट्रांसपोर्टेशन में किए होंगे, तो उसी तरह से यहाँ भी हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने वाले। बस यही उम्मीद कीजिए कि एग्जाम में एग्जाम थोड़ा टाइम बाद हो, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉड्यूल नंबर 2 को। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन को ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रेस टेंसर और स्ट्रेन टेंसर को पढ़ते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको स्ट्रेस के बारे में समझाते हैं। वैसे तो बहुत लोग पढ़ के आए होंगे स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में, लेकिन मेरे तरफ से एक बार देख लीजिए, आपका ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आराम आराम से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम एक बॉडी लेते हैं, ठीक है? आराम से, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हम डिटेल में समझाएंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बॉडी लिए, बॉडी मान लीजिए कि सेपरेट होने वाला है, बीच से यहाँ टूटने वाला था, ठीक है? टूटने वाला था, टूटा नहीं है, टूटने वाला था। तो हम क्या किए कि आपको हम बीच में आपको यहाँ पे बैठा दिए, ठीक है? बहुत ही एक सटीक एग्जांपल लेकर आपको समझा रहे हैं, कभी जिंदगी में आप भूलिएगा नहीं कि स्ट्रेस क्या होता था, ठीक है? हम क्या किए कि आपको यहाँ बीच में बैठा दिए। अब बोले ये वाला पोर्शन को, यानी पोर्शन नंबर 1, पोर्शन नंबर 2, पोर्शन 1 और पोर्शन 2 को आपको पकड़ के रखना है, ठीक है? आपको पोर्शन 1 और पोर्शन 2 को पकड़ के रखना है, और आपका जो स्ट्रेंथ है वो 500 न्यूटन है। कितना है? 500 न्यूटन, मतलब आप 500 न्यूटन तक सह सकते हैं, 500 न्यूटन तक इसको आप पकड़ कर रख सकते हैं, जो आपका इंटरनल फोर्स है। आपका ये क्या है, आप अंदर में बैठे हुए ना, बॉडी के अंदर में आपको बैठा दिए, तो ये आपका क्या है, इंटरनल फोर्स है, ठीक है? इंटरनल फोर्स है। हम क्या करते हैं, हम आते हैं और ऊपर से इस पे क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये जो हम लगाएंगे वो क्या रहेगा आपका, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। आपको एग्जाम्पल देते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम का टाइम, एग्जाम से पहले जैसे एग्जाम डेट नहीं निकलता है, आप कितना रिलैक्स रहते हैं, बहुत ही रिलैक्स रहते हैं, पढ़ने का कोई काम ही नहीं होता है। लेकिन जैसे ही देखते हैं कि एग्जाम डेट आ गया या फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, आप पे स्ट्रेस आ जाता है ना, आपके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, एग्जाम के नजदीक होता जाता है, वैसे वैसे आपका स्ट्रेस और बढ़ता जाता है। बात क्लियर है? उसी तरह से हम यहाँ पे मान लीजिए 100 न्यूटन का क्या लगाएंगे, लोड लगाएंगे। पहले से आप फ्री बैठे हुए थे, आप एकदम रिलैक्स होकर बैठे हुए थे, अब क्या किया, यहाँ पे हम 100 न्यूटन का लोड लगाए, आपके अंदर क्या हो गया, स्ट्रेस डेवलप हो गया, है ना? फिर क्योंकि आपके अंदर 500 न्यूटन का रेजिस्टेंस है, उतना आप सह सकते हैं, लेकिन अभी हम लगाए 100 न्यूटन, तो अभी आपके अंदर स्ट्रेस हुआ है, फेल नहीं होंगे, फेल तो होंगे 500 के बाद, जैसे 501 होगा, 502 होगा, तब फेल होंगे, लेकिन आपके अंदर अभी स्ट्रेस हुआ है, ठीक है? यही चीज को बोल रहे हैं, जैसे आपका एग्जाम आने वाला रहता है, तो जब एग्जाम डेट आ जाता है तो आपके अंदर स्ट्रेस आ जाता है, और जैसे जैसे एग्जाम डेट यानी एग्जाम का टाइम आता है, वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता जाता है। उसी प्रकार से अब यहाँ पे हम कर देते 200 न्यूटन, तो इसका स्ट्रेस और क्या हो गया, बढ़ गया। फिर इसको हम कर देंगे 300 न्यूटन, स्ट्रेस और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर कर देंगे 400 न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। फिर कर देंगे 500 न्यूटन, मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगा, है ना? इसी को बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस। जितना इसका इंटरनल फोर्स होगा, उतना हम अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मैक्सिमम स्ट्रेस, और इसी को स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से समझिएगा,
ये क्या हो गया 500 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स इस बॉडी का कितना था 500 न्यूटन, यानी 500 न्यूटन इंटरनल फोर्स जो था 500 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो गया, यानी टाउ मैक्सिमम हो गया, ठीक है, सॉरी सिग्मा मैक्सिमम हो गया, आपका क्या हो गया सिग्मा मैक्सिमम हो गया, मतलब स्ट्रेस आपका क्या हो गया मैक्सिमम हो गया। अच्छा स्ट्रेस मैक्सिमम हो गया तो इसको स्ट्रेंथ कैसे बोल सकते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेस जो मैक्सिमम हो गया उसको स्ट्रेंथ कैसे बोल रहे हैं, तो जितना हम स्ट्रेस सह सकते हैं मैक्सिमम वही मेरा स्ट्रेंथ होता है। हम नहीं बोलते अभी हिम्मत हार गए अब हम नहीं जाएंगे, है ना, मतलब कुछ करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि इतना तक हम हिम्मत कर सकते हैं इसके बाद नहीं कर सकते, तो वही तो आपका स्ट्रेंथ है जितना तक आप हिम्मत करते हैं। तो इसको स्ट्रेस सहने की क्षमता कितना था 500 न्यूटन का, अब 500 न्यूटन आप स्ट्रेस दे दिए, अब इसके बाद जैसे ही 501 न्यूटन भी कीजिएगा ये क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फेल, मतलब इसका स्ट्रेंथ कितना है 500 न्यूटन का, जिसको हम लोग टाउ सिग्मा मैक्सिमम बोल रहे हैं, यानी इसका मैक्सिमम स्ट्रेस बोल रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक, तो इसी को हम लोग स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ, बाकी तो डिफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। हम लोग स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाई ए बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, वो टूटे ना फेल ना हो फ्रैक्चर ना हो उसके पहले की बात की, फ्रैक्चर हो गया तो उसको फिर कहानी खत्म हो गया, हम कब तक की बात करेंगे बिना क्रैक के बिना डिफॉर्मेशन के बिना फ्रैक्चर के, ठीक है, जितना वो स्ट्रेस सह सकता है ना, जितना वो फोर्स को सह सकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रेस कहते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग 500 न्यूटन को एग्जांपल माने थे और इसका अंदर का इंटरनल फोर्स कितना था रेजिस्ट करने का 500 न्यूटन, तो अगर 500 न्यूटन तक हम दे देते तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस बोलते हैं, और यही इसका स्ट्रेंथ होता है। इससे कम जितना रहेगा, या जैसे मान लीजिए 100 न्यूटन दे रहे थे तब कुछ स्ट्रेस होगा, फिर 200 न्यूटन दिए कुछ स्ट्रेस हो गया, तो जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेस क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे हम लोड को कम करेंगे वैसे वैसे स्ट्रेस भी होगा कमता जाएगा। तो इसलिए यहां पे एक लाइन लिखे हैं कि स्ट्रेस इज वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड पर आपका स्ट्रेस क्या होगा वेरी करेगा, अगर आप लोड को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा, लोड को घटाएंगे तो स्ट्रेस भी क्या होगा घटेगा, और जो स्ट्रेस होता है वो रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी आपका लोड अपॉन एरिया, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, लोड का यूनिट न्यूटन हो गया, एरिया का यूनिट एमएम स्क्वायर, यानी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इसका क्या है यूनिट है। तो स्ट्रेस में किसी को दिक्कत नहीं, ये फोर्थ सेमेस्टर में ही पढ़ाया गया होगा, लेकिन हम आपको ओवरव्यू दे दिए ताकि इसका आपको पता हो कि स्ट्रेस है क्या, तभी तो हम स्ट्रेस टेंसर जानेंगे, नहीं तो फिर आपको रटा रटा यह बात हो जाता। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि स्ट्रेस क्या था, ठीक है, अब कुछ यूनिट की बात कर रहे थे, 1 किलो न्यूटन में 10 के पावर 3 न्यूटन होता है, एमपीए में 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, मेगा पास्कल गीगा पास्कल, ठीक है, 10 के पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब आते बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो एक्चुअल जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस तो सिग्मा है, सिग्मा क्या होता है लोड अपॉन एरिया होता है। अगर हम एक्चुअल स्ट्रेस लेंगे तो कोई भी बॉडी, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक बॉडी था, ठीक है, ये बॉडी था, इस पर हम लोड लगाए, क्या लगाए लोड लगाए, तो लोड लगाने के बाद अगर हम टेंसाइल लोड लगा रहे हैं तो इसका एरिया में क्या हो जाएगा कमी आ जाएगा, इसका एरिया खिंचा जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो एरिया जैसे कम होगा तो इसका स्ट्रेस क्या होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया अगर कम होगा तो स्ट्रेस क्या होगा ज्यादा होगा, है ना। तो ये एक्चुअल स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया होगा ये आफ्टर द लोडिंग होगा, एक्चुअल स्ट्रेस में जो हम एरिया का यूज करेंगे, क्योंकि लोड तो दोनों में सेम ही रहेगा, लोड दोनों में सेम ही रहेगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस हो या एक्चुअल स्ट्रेस हो, बस यहाँ पे एरिया का खेल है। तो एरिया अगर हम लोड लगा रहे हैं तो यहाँ पे दो तरह के लोड हो सकता है, ये तो टेंसाइल लोड हो सकता है या कंप्रेसिव फोर्स हो सकता है, मतलब एक कंप्रेसिव फोर्स होता है एक क्या होता है टेंसाइल फोर्स होता है। तो अगर हम कंप्रेसिव फोर्स दे रहे हैं तो ये दबेगा, तो दबने से एरिया क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ये तो दब गया और दबने से एरिया देखिए बढ़ गया, पहले ब्लू वाला था अब रेड वाला हो गया, तो एरिया क्या हो गया बढ़ गया। तो यानी दो कंडीशन बन सकता है, या तो एरिया बढ़ सकता है या तो एरिया घट सकता है, तो उसको हम लोग एक्चुअल स्ट्रेस कहेंगे। और यहाँ जो एरिया होगा वो आफ्टर द लोडिंग होगा, या तो एरिया बढ़ भी सकता है या एरिया घट भी सकता है, लेकिन जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होगा वो बिफोर द लोडिंग होगा, लोडिंग के पहले वाला केस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस, जिसको नॉमिनल स्ट्रेस भी बोलते हैं, एवरेज स्ट्रेस भी बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल स्ट्रेस क्या होगा जो आफ्टर द लोडिंग एरिया हम लोग निकालेंगे और उसको पुट करने के बाद स्ट्रेस निकालेंगे, ठीक है। आइए इसको और डिटेल से समझते हैं। इफ नेचर ऑफ फोर्स टेंसाइल देन एक्चुअल स्ट्रेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस। अगर आपका नेचर, ये डिपेंड किस पे करता है नेचर ऑफ फोर्स पे करता है, नेचर ऑफ फोर्स क्या हो गया टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो इफ नेचर ऑफ फोर्स टेंसाइल देन एक्चुअल स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस को हम सिग्मा ए से लिख देते हैं और आपका एक्चुअल स्ट्रेस इज
ऑलवेज ग्रेटर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ये ग्रेटर होगा किससे, इंजीनियरिंग स्ट्रेस से, ठीक है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस से क्या होगा, ग्रेटर होगा, कैसे ग्रेटर होगा उसी को हमको बताना है। तो आप देखिए एक टेंसाइल फोर्स, यहाँ पे क्या नेचर कैसा ले रहे थे फोर्स का, टेंसाइल फोर्स, एक सेकेंड, यहाँ पे कैसा फोर्स ले रहे थे, टेंसाइल फोर्स ले रहे थे। तो टेंसाइल फोर्स के कारण इलोंगेशन होता है, टेंसाइल फोर्स के कारण क्या होता है, इलोंगेशन होता है, मतलब खिंचाएगा। आप कोई चीज वस्तु को खींच रहे हैं तो खिंचाएगा ही, दबाएगा थोड़ के, खिंचाएगा ही। तो देखिए बॉडी खिंचा के अब एरिया क्या हो गया, कम गया इसका, है ना, एरिया क्या हो गया, कम गया। तो एक्चुअल स्ट्रेस क्या बोले थे, आफ्टर द लोडिंग वाला एरिया को हम लोग बोल रहे थे एक्चुअल स्ट्रेस। तो एक्चुअल स्ट्रेस लोड अपॉन एरिया, एरिया में क्या हुआ है, कमी हुआ है ना, घटा है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया क्या हुआ, कम हुआ है, तो इसके कारण, क्योंकि एरिया और जो आपका सिग्मा है ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया कमेगा क्योंकि टेंसाइल फोर्स में एरिया कम जाता है, खिंचाने की वजह से एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एरिया कम होगा तो सिग्मा आपका क्या होगा, स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये तो बिफोर द लोडिंग था, तो ये क्या हो गया, सिग्मा बढ़ गया यानी स्ट्रेस बढ़ गया है, तो जो आपका एक्चुअल स्ट्रेस था वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरा नेचर ऑफ फोर्स देखते हैं, कंप्रेसिव फोर्स को देखते हैं, उसके कारण क्या होता है। तो इफ नेचर ऑफ फोर्स कंप्रेसिव, अगर आपका नेचर ऑफ फोर्स कंप्रेसिव फोर्स लगाया जा रहा है तब इंजीनियरिंग स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है किससे, एक्चुअल स्ट्रेस से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका कंप्रेसिव फोर्स है, यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे जो कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव होने के कारण इस पे क्या हो गया, दबाव हो गया, दबाव होने के कारण एरिया क्या होगा, बढ़ गया। तो एरिया बढ़ गया तो जो आपका एक्चुअल स्ट्रेस है, एरिया बढ़ने से क्या होगा, स्ट्रेस में कमी होगा, स्ट्रेस में क्या होगा, कमी होगा। एरिया बढ़ रहा है तो स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। तो जो आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रेस था वो क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस आपका क्या हो गया, कम हो गया, किसकी वजह से, फोर्स एक्ट करने की वजह से। तो ये दोनों में डिफरेंस आप समझे कि एक्चुअल स्ट्रेस क्या है और इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या है, ठीक है। उसके पहले हम लोग स्ट्रेस के बारे में समझे थे कि स्ट्रेस क्या है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में नॉर्मल स्ट्रेस होता है जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सीयर स्ट्रेस होता है जिसको हम लोग टाऊ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये टाऊ है, इस तरह से डिनोट किया जाता है टाऊ। तो ये सीयर स्ट्रेस है, और सीयर और नॉर्मल क्या है उसको अब समझाते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस है जब से मान लीजिए कि आपका एक बॉडी था, ठीक है, ये आपका 3D बॉडी बना रहे हैं यहाँ पे, ये आपका बॉडी था। अब इस पे आप परपेंडिकुलर, ये क्रॉस सेक्शन पे, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है ना, ये हम येलो से जो कवर किए हैं ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है। यहां पे हम क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, क्या करते हैं, ध्यान से देखिए ये सब का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, यानी नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। कब, जब इस पे हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, किसके, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगाएंगे, तभी क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। द स्ट्रेस प्रोड्यूस बाई ए फोर्स परपेंडिकुलर टू द सेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल, या तो ये आउटवर्ड है या इनवर्ड भी हो सकता है, अंदर की ओर भी, लेकिन कैसा हो, कैसा हो, नॉर्मल हो। ये फोर्स है, एक सेकेंड, ये फोर्स यहाँ पे लगाएंगे तो या तो आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो, दोनों तरह से, लेकिन नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर हो। अरे यहाँ पे हम ऐसे फोर्स लगाए चाहे ऐसे फोर्स, दोनों तो परपेंडिकुलर ही है ना, ठीक है। अच्छा, ये होगा, अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। सीयर स्ट्रेस कब बोलेंगे, पहले हम टर्म सीयर स्ट्रेस क्या है, तो सीयर स्ट्रेस को हम लोग टाऊ से डिनोट करते हैं, इसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर स्क्वायर ही होता है, यानी इसको टाऊ पढ़ते हैं हम लोग सीयर स्ट्रेस को। बहुत ही काम का चीज है सीयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस, ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसका आगे कंसेप्ट की बात चलेगा, ठीक है। तो सीयर स्ट्रेस कब बोलिएगा, कब बोलिएगा कि सीयर स्ट्रेस है, अभी जस्ट आने वाला ये चीज, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो सीयर स्ट्रेस जब इस क्रॉस सेक्शन का, ये क्रॉस सेक्शन हम कलर कर देते ताकि आपको अच्छे से दिखे, ये क्रॉस सेक्शन का पैरेलल फोर्स लगेगा। अभी हम देख रहे थे नॉर्मल में परपेंडिकुलर, अब यहां पे हम देखेंगे पैरेलल, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, और क्रॉस सेक्शन के एक पैरेलल फोर्स बना दीजिए, तो इसके कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीयर स्ट्रेस। इसके पहले जो देख रहे थे वो कैसा लग रहा था, परपेंडिकुलर, ऐसे है परपेंडिकुलर लग रहा था, या तो डाउनवर्ड हो या इनवर्ड हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, नॉर्मल स्ट्रेस बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, नॉर्मल स्ट्रेस बोल रहे थे। लेकिन सीयर स्ट्रेस क्या होगा कि पैरेलल फोर्स होगा, इस क्रॉस सेक्शन का पैरेलल फोर्स अगर लगेगा उसके कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग सीयर स्ट्रेस के नाम से जानेंगे, उसको टाउ से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर होता है। द स्ट्रेस प्रोड्यूस बाई ए फोर्स पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड सीयर फोर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीयर फोर्स, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस कैसा क्वांटिटी है,
तो हम बोलते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन इनर्सिया एक टेंसर क्वांटिटी है। पहले से तो आप स्केलर और वेक्टर पढ़ चुके होंगे कि मैग्नीट्यूड की बात करता है तो स्केलर बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात करता है तो उसको हम वेक्टर बोल देते हैं। लेकिन जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन और डायरेक्शन के साथ प्लेन भी बताए, यानी कौन सा प्लेन में है, कितना मैग्नीट्यूड है और किस डायरेक्शन में है, तो उसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसमें जिसका एग्जाम्पल है स्ट्रेस, स्ट्रेन और इनर्सिया। और यही स्ट्रेस टेंसर के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। सबसे पहले हम आपको प्लेन समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको तीन चीज से यहाँ पे मिलकर बनेगा, प्लेन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम आपको प्लेन समझाएंगे, उसके बाद उसका डायरेक्शन समझाएंगे, है ना, उसका डायरेक्शन समझाएंगे। और सियर स्ट्रेस है कि नॉर्मल स्ट्रेस है, वो तो अभी जस्ट आपको हम बता दिए कि अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो नॉर्मल बोलेंगे और पैरेलल रहेगा तो सियर बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ। तो ये सब चीज आपको इसीलिए हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, ताकि यहाँ पे काम दे। तो चलिए पहले प्लेन सीखते हैं कि कौन सा प्लेन को कौन सा नाम दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक आपको दिख रहा होगा, 3D फिगर का है, तो यहाँ पे आपको ये प्लेन एक दिख रहा होगा, यहाँ पे एक प्लेन दिख रहा होगा, एक सेकेंड दिखा रहा है, ये आपको प्लेन एक दिख रहा है ना, ये प्लेन है एक। हम एकाएक ही प्लेन को समझाएंगे, एक प्लेन करके समझाते हैं। ये आपका एक प्लेन है, ये प्लेन है आपको, ये प्लेन किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, पहले एक्सिस की भी बात कर लेते हैं, पहले एक्सिस की भी बात कर लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका बाई एक्सिस है, ये आपका बाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है ना। अच्छा, ये बाई एक्सिस के पैरेलल भी बाई एक्सिस ही होगा, बाई एक्सिस के दूसरा कलर से बनाते ताकि आपको याद आए कि ये बाई एक्सिस था, ठीक है, इसको ब्लू से बना लेते हैं। ये आपका क्या था, बाई एक्सिस था, ठीक है, अलग अलग कलर से बना लेते। ये आपका ब्लू वाला क्या है, बाई एक्सिस है, ठीक है, ब्लू वाला बाई एक्सिस है, और यहाँ पे ग्रीन ले लेते हैं जिसको जेड एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, आराम आराम से समझते चलिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ये आपका ग्रीन वाला क्या है, जेड एक्सिस है। तो बताइए ये प्लेन किससे मिलकर बना हुआ है, ये प्लेन जो है ये किससे मिलकर बना हुआ, ग्रीन और ब्लू वाला से मिलकर बना हुआ है, ग्रीन और ब्लू, देखिए ग्रीन वाला से मिलकर बना हुआ है, ये ग्रीन वाला हो गया, ये ग्रीन वाला हो गया, इधर क्या हो गया, ब्लू वाला हो गया, है ना, ग्रीन वाला और ब्लू वाला से मिलकर बना हुआ है, ग्रीन और ब्लू से मिलकर प्लेन बना हुआ है। तो ये ग्रीन और ब्लू वाला का नाम अभी आप क्या दिए थे, कि इसको दिए थे बाई और इसको दिए थे ग्रीन वाला को जेड, है ना। अब यहाँ पे जो प्लेन बना है उसका क्या नाम दीजिएगा, तो जिससे मिलकर बना है वही प्लेन का नाम देंगे, यानी ए वाला साइड का नाम हो जाएगा आपका क्या, बाई जेड प्लेन, बाई जेड प्लेन। प्लेन समझ में आया, इसको हम 3D फिगर आपको अभी जस्ट दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिखाएंगे इस तरह से, यहाँ भी समझाने वाले हैं, पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये बाई जेड प्लेन हो गया, किन को कोई दिक्कत, यहाँ पे हम मिटा रहे और बाई जेड लिख दे, सबको समझ में आ गया बाई जेड प्लेन कैसे हुआ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन सा प्लेन है आपका, बाई जेड प्लेन है, क्योंकि ये बाई और जेड से मिलकर बना हुआ है। अब आते हैं इसके ऊपर वाला प्लेन की बात करते हैं, इस प्लेन की बात करते हैं, ए प्लेन पे देखिएगा, ए प्लेन किससे किसके मिलकर बना हुआ होगा। चलिए यहां पे देखते हैं, ये है आपका एक्स एक्सिस, ओ ज्यादा मोटा हो गया, रुक जाइए, आराम आराम से समझते चलिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या था, एक्स एक्सिस था, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस था, और ए वाला क्या था, जेड है, तो एक्स एक्सिस है, तो ये भी क्या होगा, एक्स एक्सिस, दोनों पैरेलल एक्सिस सेम होगा, एक्स है ये भी एक्स है, ठीक है, और ये ग्रीन वाला हो गया। अब ले लेते हैं रेड वाला, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, जेड वाला है, ये आपका क्या है, जेड है, ये आपका इस डायरेक्शन में जेड था, ये भी क्या है आपका, जेड है। ई प्लेन किससे मिलकर बना हुआ है, ये प्लेन किससे मिलकर बना हुआ है, तो एक्स और जेड से, एक्स और जेड से। तो यहाँ पे नाम दे देंगे क्या है आपका, कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हम नाम अब इसका लिख देते हैं, एक्स जेड प्लेन है, क्योंकि आपको प्लेन पता हो जाएगा तो आप बहुत आसान टॉपिक हो जाएगा। जो स्ट्रेस टेंसर है और स्ट्रेन टेंसर है, वो प्लेन आपको सबसे पहले पहला स्टेप में प्लेन पता करना होता है। तो एक्स जेड प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया, अब ई कौन प्लेन होगा इसको देख लेते हैं। इस प्लेन की बात कर लेते हैं, ये प्लेन किससे किसके मिलकर बना हुआ है। तो यहां पे देख रहे होंगे, यहां पे देख रहे होंगे कि आपको एक्स प्लेन है, एक्स एक्सिस पे होगा ये आपका कैसा है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ऊपर वाला भी एक्स एक्सिस हो जाएगा, ऐसे इस डायरेक्शन वाला एक्स एक्सिस ले रहे हैं हम लोग। आप एक्सिस को
देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है आपका बाई एक्सिस था, ये आपका क्या है बाई एक्सिस है, तो ये दोनों साइड से बाई एक्सिस हो जाएगा, ये बाई एक्सिस हो जाएगा, ये बाई एक्सिस है। तो ये बाई और एक्स से मिलकर जो प्लेन बना है, बाई और एक्स से जो मिलकर प्लेन बना है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन बोल देंगे। एक्स वाई से मिलकर बना है तो एक्स वाई प्लेन, ऊपर एक्स जेड प्लेन, इधर बाई जेड प्लेन। प्लेन सभी को समझ में अच्छे से आ गया है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्लेन समझने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका एक्स वाई प्लेन था, ये आपका बाई जेड प्लेन है, ये आपका एक्स जेड प्लेन है। यहां तक क्लियर हो तो आगे हम बढ़े, चलिए आई होप क्लियर ही होगा। चलिए जिनको नहीं क्लियर है वो बैक करके आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये बाई जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है और एक्स वाई प्लेन है। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन तो हम पहले ही दिखा दिए थे, लेकिन फिर भी एक बार दिखा देते हैं कि इस डायरेक्शन वाला को हम एक्स बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस। ये क्या है एक्स, अगर जो ऊपर वर्टिकल होगा इसको क्या बोलेंगे बाई, और इधर वाला जो होगा एक्सिस इसको क्या बोलेंगे जेड, ठीक है। ये भी जेड होगा, ये भी जेड होगा, ठीक है, ये जेड होगा, ठीक है। और वर्टिकल जो दोनों होगा, ये ऊपर जितना भी वर्टिकल होगा ये सब क्या होगा बाई होगा, ये सब क्या होगा बाई होगा, ठीक है, ये बाई डायरेक्शन है। और ये क्या होगा इधर वाला क्या होगा एक्स एक्स एक्सिस होगा, ये क्या होगा एक्स एक्सिस होगा, है ना, एक्स एक्सिस यानी एक्स डायरेक्शन, ऊपर बाई डायरेक्शन, और इधर फ्रंट में जो देख रहे होंगे वो क्या है जेड डायरेक्शन। इतना क्लियर है, यहाँ पे नेमिंग भी दिया हुआ है, अभी कॉपी पर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, स्ट्रेस टेंसर और स्ट्रेन टेंसर को। यहाँ पे प्लेन का नाम भी लिख दिए कि ये आपका क्या है ए बी सी डी है, ठीक है। तो ए बी सी डी कौन सा प्लेन था, तो ये वाला कौन था एक्स वाई प्लेन ना, एक्स वाई प्लेन। अच्छा अब आपको यहाँ पे ए बी सी डी जो है कौन सा प्लेन है एक्स वाई प्लेन है, तो इसको हम जेड प्लेन भी बोल सकते हैं। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक्स वाई है तो इसके में एक्स वाई जेड तीन गो है आपके पास, एक्स वाई जेड तीन गो है, तो अगर एक्स वाई प्लेन नाम है तो उसको हम डायरेक्ट जेड प्लेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जेड प्लेन क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि किसके डायरेक्शन में है, जेड के तो डायरेक्शन में है। चलिए इस चीज को समझा देते हैं, इस चीज को भी थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, बस इसीलिए हम इतना समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ही दिख रहा था, ये वाला जो रेड से हम अभी लिखे हुए हैं एक्स वाई प्लेन, ये किसके डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे देखिए तो जेड के डायरेक्शन में है। अभी हम बताए थे ना कि ये जेड है, ये जेड है, तो जेड के डायरेक्शन में, इसलिए हम जेड प्लेन के नाम, ये दो अक्षर के ना करके हम एक अक्षर से डिनोट कर सकते हैं जेड प्लेन, क्योंकि जो एक्स वाई प्लेन है वो डायरेक्शन जेड के तरफ है, ठीक है, इसलिए हम इसको जेड प्लेन के नाम से भी बोलेंगे। तो एक्स वाई प्लेन बोलिए, या तीसरा नाम जो मतलब ये दोनों को छोड़ के एक जो तीसरा वर्ड है उसको हम जेड प्लेन के, यानी ए बी सी डी, यहाँ पे एक्स वाई लिख दीजिएगा, एक्स वाई जेड, अगर ये एक्स वाई रहेगा तो इसको हम जेड प्लेन के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। अगर बाई जेड है तो बाई जेड में कौन बचा एक्स, तो एक्स प्लेन की, याद रखने का तरीका बता रहे हैं, एक्स जेड है तो कौन बचा बाई, तो इसको बाई प्लेन भी बोल सकते हैं। तो ये सिंपल होता है, इसी को हम लोग यूज करेंगे, जैसे बोलेंगे जेड प्लेन आपको समझना है कौन सा प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन होगा, बोलेंगे एक्स प्लेन तो एक्स को छोड़कर कौन बचा है बाई जेड, यानी बाई जेड प्लेन, बाई प्लेन बोलेंगे मतलब कौन सा प्लेन होगा एक्स जेड प्लेन होगा। इतना क्लियर हो गया सभी को, इतना क्लियर हो गया, क्यों हुआ है ये भी बता दिए कि हम एक्स वाई को जेड प्लेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में वो प्लेन दिख रहा है ना। आप जाएंगे जेड के पास, खड़ा होंगे जेड के डायरेक्शन में, तो आपको कौन सा प्लेन दिखेगा एक्स वाई प्लेन, तो इसलिए इसका नाम हम जेड के डायरेक्शन से देख रहे हैं तो जेड प्लेन भी बोल देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे ये क्या था बाई जेड प्लेन था, ये आपका क्या था बाई जेड प्लेन, और किस डायरेक्शन से आप देख रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन से देख रहे हैं, यानी एक्स प्लेन भी बोल देंगे इसको। ऊपर कौन सा प्लेन था एक्स जेड प्लेन था, एक्स जेड, और कौन सा डायरेक्शन से देख रहे हैं बाई प्लेन से, तो इसको हम बाई डायरेक्शन से, तो इसको हम बाई प्लेन भी बोल देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे डिनोट भी कर दिए कि एक्स बाई प्लेन को हम लोग जेड प्लेन बोलेंगे, बाई जेड प्लेन को एक्स प्लेन, और एक्स जेड प्लेन को बाई प्लेन, क्लियर। अब हम लोग स्ट्रेस एलिमेंट के बारे में समझते हैं यहाँ पे कि स्ट्रेस में कितने टाइप्स के एलिमेंट है, यहाँ टोटल 9 एलिमेंट होते हैं, उसी के बारे में यहाँ समझने वाले। तो आइए बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इसको हम अभी क्या बोल रहे थे एक्स प्लेन बोल रहे थे, एक्स प्लेन बोल रहे थे, जिसको बाई जेड भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंगल टर्म वाला यूज कर रहे हैं, ये एक्स प्लेन हो गया, इसको हम बोल देंगे ये क्या आपका हो गया, देख रहे थे कि बाई डायरेक्शन से ना, तो इसको बोल देंगे बाई प्लेन, इसको बोल देंगे बाई प्लेन, और ये आपका क्या हो गया जेड प्लेन, ये आपका क्या हो गया जेड प्लेन, ठीक है, जेड प्लेन। अब समझिएगा, ये जो दो अक्षर इसमें दिख रहा होगा, जैसे सिग्मा एक्स एक्स दिख रहा है, तो इसका कहने का मतलब क्या है पहले कैसे पढ़ेंगे उसको समझ लेते हैं। तो सिग्मा एक्स एक्स है, तो जो पहला लेटर है वो डिनोट करता है प्लेन को, मतलब पहला लेटर जो है प्लेन बता रहा है कि कौन सा प्लेन में, एक्स प्लेन में है, और जो दूसरा लेटर है वो डायरेक्शन बता रहा है, दूसरा लेटर जो है डायरेक्शन, मतलब ये जो स्ट्रेस लग रहा है, अब इसको पढ़िएगा कैसे बता देते हैं कि जो स्ट्रेस लग रहा है वो एक्स प्लेन में है, एक्स डायरेक्शन में। चलिए इसको पढ़ के दिखाइए, सिग्मा बाई, इसको सिखाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा रहे हैं, इसको सिखाएंगे कैसे बनेगा जो, ठीक है, इसको पढ़ के बताइए क्या पढ़ेंगे कि नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि सिग्मा को नॉर्मल अभी जस्ट इसीलिए पीछे पढ़ा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, है ना, नॉर्मल स्ट्रेस, और टाउ को क्या बोलते थे सीयर स्ट्रेस, इसको क्या बोलते थे सीयर स्ट्रेस। तो ये अभी क्या है सिग्मा है तो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस बाई प्लेन में, क्योंकि पहला लेटर हम प्लेन को बोले थे और दूसरा लेटर डायरेक्शन को, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस बाई प्लेन में बाई डायरेक्शन में, है ना, क्लियर हो गया, बाई प्लेन में बाई डायरेक्शन में, क्लियर है। अच्छा एक और दे देते हैं, यहाँ एक चीज और पढ़ के दिखाइए,
टाउ मतलब सियर स्ट्रेस, टाउ मतलब सियर स्ट्रेस, तो सियर स्ट्रेस दे देते बाई जेड, ठीक है दे देते बाई जेड, तो सियर स्ट्रेस बाई जेड, बाई जेड मतलब बाई प्लेन में जाइएगा, बाई प्लेन में जाइएगा, एक सेकेंड, बाई प्लेन में जाइएगा और जेड डायरेक्शन में, कहाँ जाइएगा, बाई प्लेन में और जेड डायरेक्शन में, है ना। तो देखिए बाई प्लेन ये हो गया आपका टाउ बाई जेड, यानी बाई प्लेन है और इधर कौन सा डायरेक्शन था, जेड डायरेक्शन। तो यही चीज को हम सिखा रहे हैं, बस आइए सीखते हैं उसी चीज को। और ये सीखेंगे कहाँ से, इस फिगर से सीखेंगे, इस फिगर से सीखेंगे, ठीक है। देखिए आप ये सबसे पहले बताइए कौन सा प्लेन दिख रहा है आपको, ये जो प्लेन दिख रहा होगा ये कौन सा प्लेन दिख रहा है, तो इसको हम एक्स प्लेन लिख दें यहाँ पे, ये कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन। किन्हीं को कोई दिक्कत, क्योंकि इसी को हम बाई जेड भी प्लेन बोलते थे, तो हमको बस एक लेटर से दिखाना है, तो बाई जेड को हम कौन सा प्लेन बोलते थे, एक्स प्लेन बोलते थे, ठीक है। ये बाई जेड प्लेन में हम ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इसको रेड पेन से लिखते हैं, नहीं दिख रहा, ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो इसके कारण कौन सा स्ट्रेस लगेगा आपका, नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको सिग्मा से लिखेंगे, सिग्मा से लिखें। अच्छा ये बता दीजिए कि डायरेक्शन इधर कौन सा डायरेक्शन था, एक्स डायरेक्शन था, याद है अभी फिगर में भी जस्ट हम दिखा देते हैं। देखिए इधर कौन सा डायरेक्शन था, एक्स डायरेक्शन था, यहाँ देखिएगा एक्स डायरेक्शन था, इधर क्या था, जेड डायरेक्शन था, और ऊपर क्या था, वाई डायरेक्शन। तो वही चीज यहाँ पे एक्स डायरेक्शन था, इधर वाला, इधर जो होगा एक्स डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में तो पहला क्या बताता है, प्लेन बताता है, तो प्लेन कैसा है आपका, एक्स प्लेन है, तो यहाँ लगा देते हैं एक्स, और डायरेक्शन के इधर है एक्स, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स एक्स, यानी सिग्मा जो स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है, वो एक्स प्लेन में है और एक्स डायरेक्शन में है। पहला का नाम कर दिए, पहला एलिमेंट स्ट्रेस का, पहला एलिमेंट को आप नामकरण कर लिए, किन्हीं को प्रॉब्लम। चलिए ये हो गया आपका सिग्मा एक्स एक्स, कैसे लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल फोर्स लग रहा है, आपको दिख भी रहा होगा ये नॉर्मल, इसीलिए तो हम इस पे लाए कि 2D में आपको समझ में नहीं आता कि नॉर्मल है कि पैरेलल है, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल को हमको सिग्मा से डिनोट करते हैं और एक्स डायरेक्शन में है, क्योंकि एक्स प्लेन तो आपको अच्छे से पता है कि एक्स प्लेन है, एक्स प्लेन में, एक्स प्लेन में, और डायरेक्शन भी इसका कैसा है, डायरेक्शन कैसा है, एक्स डायरेक्शन, यानी सिग्मा एक्स एक्स, पहला चीज क्लियर। अब आते हैं जब जब क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होता था, जब क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होता था, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है, उसी के पैरेलल है, उसी के पैरेलल है, ये भी फोर्स क्या है, पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल है, तो मतलब इसका क्या हो जाए, एक्सप्लेन का नाम मिटा दे, खाली याद रखिएगा ये एक्सप्लेन है, तो ये नाम मिटा अथी सॉरी ये स्ट्रेस जो आपका फोर्स लग रहा है, पैरेलल लग रहा है, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, टाउ से, किससे करेंगे, टाउ से। प्लेन पहला प्लेन होता है तो प्लेन तो एक्स था, टाउ एक्स लिख देंगे। डायरेक्शन कैसा है, तो ऊपर की ओर कौन सा डायरेक्शन था, बाई डायरेक्शन, तो इसका नाम हो जाएगा टाउ एक्स बाई, टाउ एक्स बाई, इसका नामकरण हो गया, दो एलिमेंट हो गया। तीसरा एलिमेंट में आते हैं, ये भी तो टाउ ही होगा सियर स्ट्रेस, क्योंकि ये भी पैरेलल है, एक के परपेंडिकुलर होता है, एक ही परपेंडिकुलर होता है, बाकी दोनों पैरेलल होगा। अच्छा प्लेन कैसा है, एक्स है, और डायरेक्शन कैसा है, तो इधर वाला को जेड डायरेक्शन बोले थे, तो ये जेड हो जाएगा, यानी टाउ एक्स जेड। तो इस प्लेन में हम तीन एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए, इन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा प्लेन में, ये कौन सा प्लेन है, फ्रंट वाला, फ्रंट वाला आपको दिख रहा होगा, है ना, ये फ्रंट वाला हो रहा है। फ्रंट वाला में क्या, कौन सा प्लेन बोलते थे हम, जेड प्लेन बोलते थे फ्रंट वाला को, इसको तो कलर वो नहीं दिख रहा है, रुक जाइए कौन सा कलर यूज करें, ये वाला, ये क्या है आपका, जेड प्लेन है, ये आपका क्या है, जेड, क्योंकि हम जेड डायरेक्शन से देख रहे थे, यहाँ पे दिखा देते आपको, ये वाला देखिए, ये वाला है ना, ये वाला प्लेन, इसको क्या बोलते थे, एक्स वाई, एक्स वाई का हम एक सिंगल नेम से बोले तो क्या हो जाएगा, जेड प्लेन, क्योंकि जेड के डायरेक्शन से देख रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, जेड प्लेन। जेड प्लेन में देखिएगा कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ पे कि ये जो फोर्स है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। प्लेन कौन सा है, जेड, तो ये हो जाएगा जेड। और डायरेक्शन कैसा है, तो ये देखिए जेड डायरेक्शन में, इधर की ओर कौन सा डायरेक्शन था, जेड डायरेक्शन, ऊपर की ओर कौन सा था, बाई डायरेक्शन, इधर की ओर कौन सा था, एक्स डायरेक्शन, तो ये जेड वाला ना है, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड जेड, यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड जेड। यहाँ भी एक एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए, ये तो परपेंडिकुलर था, बाकी दोनों क्या है, पैरेलल है, बाकी दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, तो देखिएगा अब पैरेलल रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। ये कौन सा प्लेन है, जेड प्लेन है, जेड प्लेन है, जेड प्लेन है, तो उसको जेड को हम येल्लो से ही दिखा देते हैं, ये आपका क्या है, जेड प्लेन है, यहाँ भी जेड कर देते हैं येल्लो से, जेड प्लेन है। और डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन कैसा है, तो डायरेक्शन ये कौन सा डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन था ना, तो ये हो जाएगा जेड एक्स। ऊपर की देखिएगा ये तो टाउ हो जाएगा, लेकिन प्लेन कौन होगा, पहले हम प्लेन को लिखते हैं, तो प्लेन कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और ऊपर की ओर कौन सा डायरेक्शन होता है, बाई डायरेक्शन, यानी जेड वाई। तो तीन एलिमेंट यहाँ भी फाइंड आउट कर लिए, तीन एलिमेंट यहाँ भी फाइंड आउट कर लिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम इतना बेसिक से लेके चल रहे थे कि आपको जीरो प्रॉब्लम हो, ठीक हो। अच्छा अभी तक ये चीज आपको नहीं समझ में आता होगा, अगर पढ़े होंगे तो यहीं से समझ में आ रहा है, क्योंकि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, है ना, बेसिक से स्टार्ट करने पे आपको 100% क्लियर होता है। देखिए यहाँ पे बताइएगा नॉर्मल कौन है, यही नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर फोर्स, ये ऊपर वाला आ गया, ये वाला प्लेन, इस प्लेन की बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कौन सा प्लेन की बात करेंगे अभी हम,
इस प्लेन की बात कर रहे हैं, इस प्लेन की बात कर रहे हैं, तो इस प्लेन को एक्स जेड यानी एक नाम से बोले तो ये क्या हो जाएगा, एक्स जेड है तो बाई प्लेन हो जाएगा, बाई प्लेन हो जाएगा, यानी बाई प्लेन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते पहले बगल में हम बाई प्लेन, ये आपका क्या है बाई प्लेन, बाई प्लेन है तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो सिग्मा से डिनोट करेंगे, आप पहला अक्षर प्लेन का होता है तो बाई, आप कौन सा डायरेक्शन में, ये भी बाई डायरेक्शन में है ना, तो ये क्या हो जाएगा बाई बाई यानी सिग्मा बाई बाई, ये तो टाउ है आपका टाउ क्योंकि पैरेलल फोर्स है। अच्छा प्लेन कैसा है तो बाई प्लेन है, बाई प्लेन है, और डायरेक्शन कैसा है एक्स डायरेक्शन है, तो ये भी लिमिट फाइंड आउट हो गया। इसकी बात करते तो ये भी टाउ है, कैसा डायरेक्शन है इसका, मतलब सबसे पहले प्लेन लिखेंगे तो प्लेन कैसा है बाई प्लेन है, और डायरेक्शन कैसा इधर जेड ना, इधर एक्स है, इधर ऊपर बाई है, इधर जेड है, तो ये हो गया जेड, तो ये हो गया टाउ बाई जेड। कितना एलिमेंट आप फाइंड आउट किए हैं, 9 एलिमेंट फाइंड आउट किए हैं, और यही है आपका स्ट्रेस टेंसर, ठीक है, यही आपका स्ट्रेस टेंसर। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, अब यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं कि ए प्लेन को डिनोट कर रहा है, ए बाई प्लेन हो गया, ये जेड प्लेन हो गया, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, बाई डायरेक्शन हो गया, जेड डायरेक्शन हो गया, पुट कर दीजिए, भर दीजिए, आपको तो याद हो गया होगा कि पहला वाला किसको डिनोट करता है प्लेन को, प्लेन को, प्लेन को, तो कौन सा प्लेन हो गया एक्स प्लेन, तो एक्स प्लेन, एक्स प्लेन, एक्स प्लेन, डायरेक्शन ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये बाई है तो बाई डायरेक्शन हो गया, जेड है तो जेड डायरेक्शन हो गया। अब किसी भी प्लेन पे आपको कितना नॉर्मल फोर्स दिख रहा था, नॉर्मल फोर्स दिख रहा था एक, और उसके कारण एक ही स्ट्रेस डेवलप होगा नॉर्मल का, यानी सिग्मा टाउ टाउ, ठीक है, यानी ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। किस डायरेक्शन में, किस प्लेन में, तो एक्स डायरेक्शन, एक्स प्लेन में, क्लियर है। चलिए दूसरा पढ़ेंगे, शियर स्ट्रेस एक्स प्लेन में बाई डायरेक्शन में, टाउ जेड हो गया, मतलब शियर स्ट्रेस एक्स प्लेन में, जेड डायरेक्शन में। तो इस तरह से बिना आप, अगर आपको सिर्फ ये मैट्रिक्स लिखना हो स्ट्रेस टेंसर का, तो आप बिना देखे भी लिख सकते हैं, बिना मतलब उसको सीखे भी लिख सकते थे, खाली एक्स बाई जेड लिख देते, एक्स बाई जेड डायगोनल में, देखिएगा डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल होगा, है ना, डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा नॉर्मल स्ट्रेस होगा, और ऊपर नीचे आपका क्या है सीयर स्ट्रेस। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं कि डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट और डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट आपस में बराबर होता है, देखिएगा एक्स बाई एक्स बाई, एक्स जेड जेड एक्स, बाई जेड जेड बाई, ठीक है, आप समझिएगा इस चीज को, यहाँ पे लिख दिए लैंग्वेज में भी कि इन जनरल कंडीशन, इन जनरल कंडीशन टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस एक्टिंग ए पॉइंट इन साइड ए बॉडी इज 9, 9 एलिमेंट टोटल होता है स्ट्रेस टेंसर में, एलिमेंट विच आर एबव द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल विल बी इक्वल, ठीक है, हाँ डायरेक्शन चेंज होगा इसका, डायरेक्शन चेंज होगा बट मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा, ठीक है। आइए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्ट्रेस टेंसर 3n है, बोलेगा स्ट्रेस टेंसर कितना ऑर्डर का होता है, क्वेश्चन रहेगा स्ट्रेस टेंसर कितने ऑर्डर का होता है, बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर का होता है, तो कैसे देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्ट्रेस टेंसर 3n होता है, आपका टोटल एलिमेंट कितना है 9, 9 इक्वल टू 3n, 9 को हम 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, n के n इधर 3n, अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा n के पावर 2, मतलब दैट मींस स्ट्रेस इज ए सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्ट्रेन के बारे में सीखते हैं, स्ट्रेस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसी तरह से स्ट्रेन समझेंगे और स्ट्रेन टेंसर समझेंगे, तो पहले तो स्ट्रेन के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेन टेंसर का समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्ट्रेन जो होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब कि जब किसी बॉडी पे लोड लगाया जाएगा तो उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, उसके डायमेंशन में चेंजेस देखने को मिलेगा, कैसे चेंजेस देखने को मिलेगा, अगर फील करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो आपको ले चलते हैं बोर्ड पे समझाते हैं, उसके बाद खाली आके डेफिनेशन पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार बोर्ड पे समझते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पे हम लोग बोर्ड पे आ चुके हैं और देखते हैं, यहाँ पे पहले फिगर बनाते हैं, सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पे एक हम बॉडी बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका बॉडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉडी है इस पे अगर हम लोड लगाते, इधर से हम लगा देते हैं पी लोड और इधर से भी लगा देते हैं पी लोड, अब यहाँ पे क्या आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि ये लोड लगाने से खींचने से खिंचाया होगा, बढ़ा होगा, तो बढ़ के कैसा हुआ होगा, इस तरह से हो गया होगा, चेंज हो गया होगा, इसके डायमेंशन में चेंज हो गया होगा, चेंज हो गया है ना, ये क्या था चेंज, ये लेंथ था पहले से, मान लीजिए कि 5 मीटर का था, कितना मीटर का था 5 मीटर का था, ये पहले से था, अब चेंज हो गया होगा, वो कहाँ से कहाँ, यहाँ से है, यहाँ से है, कितना मीटर का है, मान लीजिए कि 7 मीटर का हो गया होगा, ये 7 मीटर का हो गया होगा, तो ये चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो पहला केस हम देख रहे हैं, पहला केस देख रहे हैं, एक सेकेंड, जहां पे क्या देख रहे हैं कि स्ट्रेन, स्ट्रेन को हम किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से, किससे करते हैं एप्सिलॉन से, किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, लेंथ के डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो एल से डिनोट कर दिए, तो एप्सिलॉन एल मतलब स्ट्रेन इन एक एल डायरेक्शन, स्ट्रेन इन लेंथ के डायरेक्शन में, ठीक है, बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन मतलब चेंज इन लेंथ, लेंथ को हम देख रहे हैं, लेंथ को ऑब्जर्व कर रहे थे कि पहले 5 मीटर का था, अब क्या हो गया 7 मीटर का था, क्यों, क्योंकि इसको खींचा गया, दबाया जाता था कम हो जाता,
अगर हम इसी चीज को दबाते तो दबाने पे क्या हो जाता, अगर हम ये दबाते इधर से दोनों साइड से तो क्या हो जाता, कम हो जाता, जो पहले इतना था अब इतना हो जाता है ना। तो ये हम क्या किए, खींचे हैं ना, तो खींचने से क्या हो गया बढ़, आप दबाने वाला का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो खींचे खींचने में क्या हो गया कि लेंथ का चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, जिसको हम डेल एल से डिनोट कर रहे हैं, अपॉन टोटल एल। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले 5 मीटर का था, अब कितना मीटर हो गया, 7 मीटर। तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया, तो 7 माइनस 5 कितना हो गया, 2 मीटर। यानी चेंज इन लेंथ अपना कितना हुआ है, 2 मीटर का। यानी चेंज इन लेंथ 2 मीटर, एक सेकेंड, 2 मीटर डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ कितना था, ओरिजिनल लेंथ कितना था, 5 मीटर। तो यही इसका जो भागा दीजिएगा तो ये जो स्ट्रेन इसका जो वैल्यू आएगा उसी को हम स्ट्रेन कहेंगे। अब किस डायरेक्शन में, लेंथ के डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में बोलेंगे, लेंथ के डायरेक्शन में। अब आते हैं, अब एक चीज आप गौर कीजिएगा कि जब लेंथ बढ़ा होगा तो इसका विड्थ कम गया होगा, पता है, देख देख भी रहा होगा कि इसका जो विड्थ होगा, ऐसे जो विड्थ होगा वो कम गया होगा। लेंथ पहले ज्यादा रहा होगा, इसका विड्थ ज्यादा रहा होगा, इसका विड्थ इस तरह से रहा होगा, अब विड्थ क्या हो गया, कम, क्योंकि खिंचाया इतना इतना, तो कम से कम एज्यूम कर ही पा रहे होंगे आप, कर रहे हैं ना, कि इसका लेंथ बढ़ा होगा तो विड्थ कम हो गया, खिंचाने पर विड्थ कमेगा ना, इतना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो चलिए कितना विड्थ कम होगा, मान लीजिए पहले होगा इसका 5, चलिए मान लेते हैं 6 मीटर, पहले इसका विड्थ होगा 6, तो ज्यादा लेंथ से भी ज्यादा हो जाएगा, कम कर लेते इसको, मान लीजिए 2 मीटर था, ठीक है, 2 मीटर था, कम होके हो गया 1.5 मीटर का, कम होके कितना हो गया 1.5 मीटर का, है ना। तो कितना का चेंजेज हुआ, अच्छा पहले तो स्ट्रेन इन बी डायरेक्शन, विड्थ के डायरेक्शन में, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल, रिडक्शन ना हुआ, घटा है ना, लेंथ तो बढ़ा था, पॉजिटिव में था ये, लेंथ बढ़ा था तो पॉजिटिव था, लेकिन विड्थ क्या हो गया, घट गया है ना, तो ये निगेटिव में रहेगा, कितना निगेटिव रहेगा, निगेटिव, कितना चेंज हुआ है, 2 मीटर का था, अब कितना हो गया 1.5 मीटर, यानी 0.5 का चेंजेज हुआ होगा, ओरिजिनल कितना था 2 मीटर का। इसका जो वैल्यू आएगा ये भी स्ट्रेन होगा, लेकिन कौन सा डायरेक्शन में होगा, विड्थ के डायरेक्शन में होगा। चलिए इसमें डेप्थ भी होगा, डेप्थ भी होगा, तो तीसरा कंडीशन क्या होगा, डेप्थ वाला, डेप्थ वाला को आप साइलेंट डी से डिनोट कर देते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डेप्थ, डेप्थ मान लीजिए पहले था 3 मीटर का, पहले डेप्थ जो इसका था वो कितना मीटर का था, 3 मीटर का, अब ये घट के हो गया, क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो विड्थ और डेप्थ घटेगा, ये आपको एजम्पशन होना चाहिए, ये आप एज्यूम कर पा रहे होंगे कि कोई कोई एक बोतल है उसको खींचिएगा तो खिंचाने में लेंथ बढ़ेगा तो उसका विड्थ और डेप्थ क्या होगा, कम हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए, तो 3 मीटर से हो गया मान लीजिए 2.5 मीटर, ये कितना हो गया 2.5 मीटर का, तो ये भी हो जाएगा एप्सिलॉन डी इक्वल टू चेंज इन डेप्थ अपॉन ओरिजिनल डेप्थ, तो ये भी हो जाएगा -0.5, क्योंकि पहले 3 मीटर था, 2.5 मीटर हो गया, तो 0.5/5 ओरिजिनल डायमेंशन होता है, ओरिजिनल डायमेंशन 3 था ना, तो 3 हो जाएगा, ठीक है, इसमें 2 था 2 हो गया, 5 था 5 हो गया। अब देखिएगा यहाँ 3 तरह का स्ट्रेन आपको देखने को मिला है, ये तीनों के तीनों स्ट्रेन ही है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, उसी तरह से चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये तो हो गया। अब यहाँ किसको लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स, इसी में टाइप्स डिवाइड हो जाएगा कि किसको यहाँ लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे, किसको लेटरल बोलेंगे। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, जिस डायरेक्शन में, ध्यान से सुनिएगा, इस पे गौर कीजिएगा थोड़ा, जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा था उसके स्ट्रेन को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। तो किस में फोर्स लग रहा था, किस डायरेक्शन में, लेंथ वाला में, तो लेंथ वाला यहाँ लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, लेंथ वाला क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और बाकी जो 2 बचा ये हो जाएगा लेटरल, इसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन। क्लियर हो गया यहाँ पे। उसी प्रकार से अगर विड्थ में हम चेंज देखते, विड्थ में हम लोड लगा देते, उसी तरह से अगर हम विड्थ में लोड लगाते तो विड्थ वाला तो बढ़ जाता, लेकिन और दोनों क्या हो जाता, घट जाता है ना। तो विड्थ वाला क्या हो जाता, लॉन्गिट्यूडनल हो जाता, क्योंकि विड्थ के डायरेक्शन में है, और डेप्थ और लेंथ क्या हो जाता, आपका लेटरल हो जाता। तो जिस, खाली इतना ही याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में लोड लगा रहेगा, अगर उसी डायरेक्शन में जो चेंजेस दिखने को मिला, या तो ये बढ़ सकता है या घट भी सकता है, कोई जरूरी नहीं। अगर हम यहाँ पे क्या कर दे, कंप्रेसिव फोर्स लगा दे, तो ये कौन सा डायरेक्शन में, लेंथ के डायरेक्शन में, लेकिन इसका लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, इधर से घट जाएगा, इधर से भी घट जाएगा, तो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, इसीलिए डिफिनेशन लिखा होगा चेंज इन डायमेंशन। बस एक चीज पे गौर करना है कि जिस डायरेक्शन में चेंज रहा है उसी डायरेक्शन में लोड लगल हो, जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो और उसी डायरेक्शन में लोड लग रहा हो, तो उसी स्ट्रेन को, यहाँ पे लेंथ था और लेंथे में लोड लगल है, मतलब ये वाला यहाँ पे क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा, है ना, लॉन्गिट्यूडनल। बाकी जो 2 होगा वो लेटरल कहलाएगा। समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। अब खाली हम लोग डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं, जाके पढ़िएगा जनरल, पहले इसका डिफिनेशन पढ़िएगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशनल, जैसे डेल एल अपॉन एल माइनस डेल बी अपॉन बी, क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि घटा था बढ़ता था प्लस, घटता तो माइनस, डेल डी अपॉन ओरिजिनल डी। तो ये तीनों जो डिफिनेशन
शो कर रहा है किसका, स्ट्रेन का कर रहा है। अब इसमें दो तरह के आ जाता है, पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाता है जो इन डायरेक्शन द लोड, जिस डायरेक्शन में लोड लगेगा उसमें स्ट्रेन जो आएगा उसी को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे, और राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग को में क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन होगा। तो यही फिगर बनाया हुआ है जो आपको अच्छे से पीछे हम जाके समझा रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि इसी डायरेक्शन में यहाँ पे लोड लगाया गया है, इसी डायरेक्शन में लेंथ के डायरेक्शन में, तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा और बाकी ये दोनों क्या हो जाएगा, लेटरल हो जाएगा। समझ में आया। पॉइजन रेशियो क्या है, पॉइजन रेशियो क्या है, अभी जस्ट आप रट रट के पढ़ लिए द माइंड में सेट हो गया होगा लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल, तो रेशियो किसका किसका, लेटरल का और लॉन्गिट्यूडनल का, उसको हम पॉइजन रेशियो बोलते हैं। किसका किसका रेशियो, लेटरल स्ट्रेन का और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, यानी अगर आपका रेशियो कर दीजिएगा लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये एक कांस्टेंट फॉर ए गिवेन मटेरियल, किसी भी एक मटेरियल के लिए उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है जिसको हम म्यू सी डिनोट करते हैं, अगर इसका डिफिनेशन कोई पूछेगा या काम देगा तो लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, ये क्लियर पॉइजन रेशियो। हुक्स लॉ बताइए, हुक्स लॉ क्या है, द स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ आप पहले पढ़े होंगे, हम डेफिनेशन बता दिए, और यहाँ पे क्या होता है इसका वैल्यू, स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, स्ट्रेन का होता है, मतलब स्ट्रेस सिग्मा अभी पीछे पढ़ रहे थे, स्ट्रेस दम इसके जस्ट पीछे पढ़े थे, अभी क्या पढ़े, स्ट्रेन पढ़े, है ना, स्ट्रेन पढ़े, तो ये दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे ई वैल्यू एक कांस्टेंट आता है, ई कैपिटल ई, ठीक है, और ये आपका क्या है, एप्सिलॉन है जो स्ट्रेन है, ये तो आपका स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेन। ई क्या है, कैपिटल ई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका नाम क्या है, ये कैपिटल ई जो दिख रहा है इसका नाम है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इसी के जगह हम एक कोफिशियंट लिए, वो क्या है आपका ई है, इसको हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं, जो आप पहले पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे उनके लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर दिए, तो इसको हटाते हैं, है ना। खाली इतना याद रखिएगा कि स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम क्या है, ई है, तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर हम यहाँ पे यूनिएक्सियल लोडिंग देख रहे हैं, यूनिएक्सियल का मतलब समझते हैं आप लोग, यूनिएक्सियल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में, यूनिएक्सियल का मतलब क्या होता है, एक ही एक्सिस पे, तो कौन सा एक्सिस पे हम देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, है ना, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, वो भी किस में, एक्स एक्सिस में। तो जो भी यहाँ पे ये पहले फोर्स रहा होगा, तो जो भी यहाँ स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम शियर स्ट्रेस बोलेंगे, क्योंकि नॉर्मल है, सॉरी नॉर्मल है तो नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। आपको दो तरह के स्ट्रेस पढ़ाया गया, एक नॉर्मल स्ट्रेस, एक शियर स्ट्रेस। तो नॉर्मल फोर्स के कारण, नॉर्मल फोर्स क्या होता था, परपेंडिकुलर फोर्स, तो परपेंडिकुलर फोर्स के कारण जो आपका स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, नॉर्मल स्ट्रेस बोलते थे, और नॉर्मल स्ट्रेस को किससे डिनोट करते थे, सिग्मा से, आई एक्स डायरेक्शन में, इसलिए एक्स से हम डिनोट कर दिए। यहाँ पे तो प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बस हम खाली ये बता रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स सिग्मा एक्स है, तो सिग्मा एक्स इजकल टू ए, जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन भी होगा। तो आप साइलन एक्स आ कांस्टेंट ई प्रोपोर्शनलिटी हटाए थे तो एक कांस्टेंट आया था उसका नाम था ई, यानी स्ट्रेन इजकल टू क्या हो गया, तो स्ट्रेस इन दैट डायरेक्शन बटा आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस है उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन भी होगा, यानी एप्सिलॉन एक्स जो होगा वो सिग्मा एक्स अपॉन ई होगा, क्योंकि यहाँ से हम अगर गुना में भेजते हैं, हमको एप्सिलॉन का वैल्यू निकालना है, तो ई गुना में है ई, तो इधर हो जाएगा भागा में, तो इस डायरेक्शन में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बाई डायरेक्शन में देखने जाएंगे कि बाई डायरेक्शन में कितना आया होगा स्ट्रेन, तो उस स्ट्रेन का किस स्ट्रेन का, जिस डायरेक्शन में लग रहा था माइनस म्यू, ठीक है, माइनस म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू यहाँ पे क्या है, पॉइजन रेशियो है, म्यू यहाँ पे क्या है, पॉइजन रेशियो है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो उसके और दो लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालने के लिए माइनस म्यू से क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। ये सब हम लोग पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से रिवीजन करा दिए यहाँ पे, कि अगर जिस डायरेक्शन में है तो वो डायरेक्शन तो आसानी से निकल जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेस जो होता है, एक बार डिफाइन कर देते हैं, स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। हमको निकालना है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन जो होगा स्ट्रेस बटा क्या होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। तो जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लेटरल डायरेक्शन के लिए हम लोग माइनस म्यू टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो माइनस म्यू टाइम्स से जेड में निकालना है, तो माइनस म्यू टाइम ऑफ सिग्मा बाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स अपॉन ई। तो ये था यूनिएक्सियल की कहानी। अब आते हैं टू डायमेंशनल स्ट्रेस की कहानी। टू डायमेंशनल में मतलब इधर देखिएगा,
ये एक्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा था आपका स्ट्रेस, ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा था, ये वाई डायरेक्शन में लग रहा था, ये वाई डायरेक्शन में लग रहा था। अभी तक ये नॉर्मल फोर्स ही है, इसलिए नॉर्मल स्ट्रेस ही आ रहा है ना, ये नॉर्मल स्ट्रेस ही आ रहा है। तो सियर स्ट्रेस का यहाँ बात नहीं चल रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस की बात चल रहा है। तो यहाँ पे एक्स मान लीजिए जिस डायरेक्शन में हमको निकालना है, तो सिग्मा एक्स सॉरी एप्सिलॉन एक्स यानी स्ट्रेन जो है एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, तो जो डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में जितना स्ट्रेस होगा टू द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये एक्स में है ना, तो बाई में क्या होगा, तो बाई में माइनस म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से बाई में अगर हमको निकालना है तो बाई में जितना स्ट्रेन होगा टू द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और माइनस जिस डायरेक्शन में लोड नहीं लग रहा है उस डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई। कोई दिक्कत जेड में, तो जेड में तो ना तो एक्स वाला वैल्यू ना तो आपका जेड में जेड वाला तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको दो ये डायरेक्शन लिया गया है, एक्स डायरेक्शन लिया गया है, एक्स डायरेक्शन लिया गया है और वाई डायरेक्शन लिया गया है, जेड डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो उसका तो यहाँ पे स्ट्रेन आएगा नहीं, क्योंकि स्ट्रेस ही जीरो हो गया, स्ट्रेस ही जीरो हो गया, उस डायरेक्शन में लोड ही नहीं लग रहा तो स्ट्रेस कहाँ से आएगा जेड में, तो जेड वाला ही खत्म हो गया। तो बच उसका मतलब लेटरल लेटरल डायरेक्शन में अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स सिग्मा ई अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन ई, म्यू टाइम्स सिग्मा वाई अपॉन ई, और इसका जो अपना सिग्मा जेड अपॉन ई होता वो नहीं होगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में लोड ही नहीं लग रहा, हमको ये डायरेक्शन की बात कहा है। ठीक है, अब आते हैं तीनों डायमेंशन देख लेते हैं। थ्री डायमेंशन में अगर हम देखेंगे तो थ्री डायमेंशन के लिए हो जाएगा, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में लोड लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में लोड लगेगा तो सिग्मा एक्स अपॉन ई, अब वाई डायरेक्शन के लिए जेड डायरेक्शन के लिए माइनस म्यू टाइम्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वाई के लिए देखेंगे तो वाई में तो स्ट्रेस डेवलप स्ट्रेन डेवलप होगा, लेकिन अगर हम एक्स जेड में देखें लेटरल में तो माइनस म्यू टाइम्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से जेड में देखें तो इस बार जेड में भी होगा, क्योंकि तीनों डायरेक्शन का है। ठीक है, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम ऑफ सिग्मा अपॉन ई, ये सब खाली याद रखना है। ठीक है, ऐसे जरूरत ज्यादा है भी नहीं इसका। ठीक है, बस खाली समझने के लिए, तो यहाँ पे स्ट्रेन को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो अच्छे से डिस्कस कर दिए, है ना, इसका उतना जरूरत भी नहीं। अगर आपको मान ली बाय द वे आपको नहीं समझ में आया हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ भी सकते, लेकिन हाँ एक बार खाली नजर में रहना चाहिए कि ऐसा कुछ हम पढ़े थे। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, अगर वॉल्यूम में चेंज, क्योंकि सियर स्ट्रेन यहाँ पे जरूरी है, सियरिंग स्ट्रेस ये वाला यहाँ पे जरूरी है ना, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक नॉर्मल स्ट्रेन आपको इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस चैप्टर में, इस मॉड्यूल में। ठीक है, तो बस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को भी हम ओवरव्यू देख लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी जैसे मान लीजिए इतना बड़ा बॉल था, इसके ऊपर से हम क्या लगा रहे हैं, चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, चारों तरफ से फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के कारण इसके वॉल्यूम में चेंज हो गया, क्या हो गया, अभी छोटा हो गया, दबा गया। ठीक है, चारों तरफ से फोर्स लगाने के कारण, चारों तरफ से फोर्स लगाने के कारण ये पहले वॉल्यूम कुछ और था, 5 मीटर क्यू था, अब ये कितना हो गया, 2 मीटर क्यू हो गया। तो इसी के लेंथ जितना चेंज इन वॉल्यूम हो गया, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, इसी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूम में बोल रहा था तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लेंथ में बोल रहा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल डायरेक्शन में लग रहा था लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इट इज द सम ऑफ ऑल थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेन, अगर तीनों स्ट्रेन को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड, तीनों स्ट्रेन को अगर आप ऐड कर देते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा। तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना था, ये सिग्मा एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड, तीनों को हम ऐड कर ले रहे हैं, तीनों को यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, एप्सिलॉन जो आपका सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड अपॉन ई, ये आपका क्या था, एप्सिलॉन एक्स था। एप्सिलॉन वाई के वैल्यू कितना था, सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड अपॉन ई, ये आपका क्या था, एप्सिलॉन वाई था, उसी तरह से एप्सिलॉन जेड था। यहाँ पे देखिएगा सिग्मा एक्स वाला सिग्मा एक्स वाला सिग्मा एक्स वाला एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, तो सिग्मा एक्स अपॉन ई इसमें क्या था, इसको इरेज करके देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये आपका सिग्मा एक्स अपॉन ई है, ये आपका म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई है, ये म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई है। तो यहाँ पे हम तीनों को सिग्मा सिग्मा एक्स वाला को एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, सिग्मा एक्स वाला को एक जगह लिख लेते हैं, तो ये तो दुइये को एक कहाँ चला गया, अच्छा दुइये एक सेकेंड एक सेकेंड, ये दोनों को डायरेक्ट जोड़ दिए, डायरेक्ट जोड़ दिए, बन म्यू कितना हो गया 2 म्यू। ठीक है, डायरेक्ट दोनों को जोड़ दिए, आप एक स्टेप आउट कर सकते थे, सबको पहले एक जगह लिख के जोड़ते, लेकिन हम डायरेक्ट क्या कर दिए, जोड़ दिए। ठीक है, एक सेकंड फिर से दिखा रहे हैं, ये सिग्मा एक्स अपॉन ई लिख दिए, और ये दोनों तो सिमिलर है, माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स अपॉन ई या माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स अपॉन ई, तो जोड़ के कितना हो गया 2 टाइम्स सिग्मा एक्स अपॉन ई। उसी तरह से बाई वाला को भी लिख लिए, उसी तरह से जेड वाला को भी लिख लिए, सिग्मा एक्स वाला में देखिएगा कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा,
सिग्मा सिग्मा एक्स कॉमन हो जाएगा बटा ई, तो क्या बचेगा है वन माइनस टू मी। उसी तरह से सिग्मा बाई अपॉन ई कॉमन हो जाएगा तो वन माइनस टू मी। इसी तरह से सिग्मा जेड अपॉन ई हो जाएगा तो वन माइनस टू मी। यहाँ पे सभी को हम कॉमन ले लेते हैं, वन माइनस टू मी यू, वन माइनस टू मी यू, वन माइनस टू मी यू कॉमन ले लिए, बचा सिग्मा एक्स अपॉन ई प्लस सिग्मा बाई अपॉन ई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू वन माइनस टू मी यू। यहाँ पे ई तीनों में है तो ई एलसीएम ले लिए, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई प्लस सिग्मा जेड इंटू वन माइनस टू मी यू। तो इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होता है, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई प्लस सिग्मा जेड बटा ई इंटू वन माइनस टू मी यू। ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुआ, इसका कोई भी जरूरत नहीं है, आप देख लिए होंगे, अच्छी बात है, सीख ली होंगी। अब मेन जो है यहाँ पे आपका शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन समझिएगा, ठीक है, सीयर स्ट्रेन जरूरी है। एक सेकेंड, आइए सीयर स्ट्रेन पहले समझते हैं इसको, एक सेकेंड। सीयर स्ट्रेन होता क्या है पहले वो समझिए, सीयर स्ट्रेन होता क्या है पहले वो समझिए। ये पहले एक आपका बॉडी ऐसे फिक्स किया हुआ था, ये आपका बॉडी यहाँ पे एक फिक्स किया हुआ था, ये आपका यहाँ पे एक बॉडी फिक्स किया हुआ था, ये फिक्स बॉडी था। अब इस पे हम इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, तो जब पैरेलल फोर्स लगता था तो क्या होता था, जो पहले बताइए, सीयर स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता था, अपने मन में दोहराइएगा कि जब हम क्रॉस सेक्शन के पैरेलल फोर्स लगाते थे तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता था, तो बोलते थे शियर स्ट्रेस। पैरेलल है ना, ये लाइन के पैरेलल है, अगर ये परपेंडिकुलर देते थे तब नॉर्मल स्ट्रेस होता, ये पैरेलल है तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस होगा। तो जो पैरेलल फोर्स अगर हम लगाते हैं तो ये बॉडी में क्या होता है ना कि चेंजेस दिखने को मिलता है, वॉल्यूम में चेंज नहीं, इसका स्पेस में चेंज देखते हैं। ये ऐसे ठेलेंगे कस के, इधर से प्रेशर दीजिएगा तो ये वाला बॉडी कैसे हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, कुछ बॉडी आपका इस टाइप से। अब समझ में आ रहा है, देखिए इसको कलर कर देते हैं, कलर कर देते हैं ज्यादा समझ में आएगा। ये आपका बॉडी कुछ इस टाइप से हो गया, ये बॉडी आपका कुछ इस टाइप से हो गया है ना, मूव कर गया। कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, पहले कितना था, पहले ये वाला था आपका, पहले ये वाला था आपका है ना, नहीं फिर मिक्स हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसको मिटा देते हैं। एक इतना तो समझ गए ना कि पहले यहाँ पे था वो, अब डिस्प्लेस्ड होके कहाँ चल गया, जब हम इस पे पैरेलल फोर्स लगाए तो ये डिस्प्लेस्ड हो गया। कितना डिस्प्लेस हुआ, इतना दूर डिस्प्लेस हुआ, इसको हम डेल्टा एल से बोल देते हैं, डेल्टा एल, ठीक है, या जो भी डिनोट कीजिए। ये परपेंडिकुलर लेंथ कितना था, एल था, इसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ, चेंज इन या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ सरफेस का और इसका जो परपेंडिकुलर लेंथ है, इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन बोलते हैं। इतना पहले शियर स्ट्रेन समझ में आया, क्योंकि इसका जरूरी है, फिर लगेगा कि शियर स्ट्रेन कैसे आया, ठीक है, इसलिए हम इसको समझा रहे हैं कि शियर स्ट्रेन क्या होता है, कि जब एक कोई फिक्स्ड बॉडी था तो इस पे जब हम पैरेलल फोर्स लगाएंगे तो उसके कारण ये जो आपका बॉडी है डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ एंगल से डिस्प्लेस होगा, इसको थीटा भी लिख सकते हैं, फाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थीटा है उसको शियर एंगल के नाम से जानते हैं, लिख लीजिएगा, अगर आपको कुछ जरूरत लगे तो एक्स्ट्रा नोट करते चलिएगा, ये थीटा है, शियर एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो शियर स्ट्रेन होगा उसको गामा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, गामा से, याद करते चलिएगा, शियर स्ट्रेन को गामा से डिनोट करते हैं। और ये होता कितना है, तो जितना डिस्प्लेस्ड किया है टू द लेंथ, टू द लेंथ, ठीक है, यही क्या आपका शियर स्ट्रेन है। इसको डेल डेल एल से भी लिख सकते हैं, ठीक है, या डेल्टा एल से भी लिख सकते हैं, या डीएल से भी लिख सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा, कंसेप्ट तो समझ गया, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सर्फेस टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट सर्फेस फ्रॉम द फिक्स सर्फेस इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेन। उसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, गामा। कहीं कहीं बुक में आपको फाई से भी दिख जाएगा, कहीं कहीं बुक में आपको फाई से भी दिख जाएगा। आप कोई सोचेगा सर इस तो फाई एंगल हो जाएगा, तो उस टाइम आपको थीटा का मान, यहाँ पे कौन का मान थीटा लेना पड़ेगा, ठीक है, कौन का मान थीटा ले लीजिएगा, आप फाई से डिनोट कर दीजिएगा क्या, शियर स्ट्रेन को, फाई से डिनोट कर दीजिएगा शियर स्ट्रेन को। तो हम क्या किए हैं कि फाई से डिनोट कर दिए शियर एंगल को, और स्ट्रेन को गामा डिनोट कर लिए, ठीक है। तो अलग अलग बुक में कहीं कहीं देखने को मिल जाता है कि शियर स्ट्रेन को फाई से डिनोट किया जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, इसीलिए हम आपको बोल देते हैं जो ऐसा रहता है। तो हम जनरली मिलेगा आपको गामा ही, तो जो ज्यादा बुक में मिलता है उसी को हम उठाएं गामा, ठीक है। तो यहाँ गामा से डिनोट करेंगे, और शियरिंग स्ट्रेन होगा क्या, तो डेल एल अपॉन टोटल जो लेंथ है परपेंडिकुलर लेंथ, यहाँ पे फाई क्या है शियर एंगल, ये जो एंगल बना, अच्छा ये एंगल दोनों साइड बनाएगा ना, यहाँ भी तो एंगल होगा, यहाँ पे एक पहले ऐसे था ना ये आपका जो बॉडी, यहाँ भी तो एंगल बनाया होगा, ये भी बॉडी है कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ भी एंगल, यहाँ भी, ये दोनों सेम एंगल होगा, तो यहाँ स्ट्रेन प्लस यहाँ स्ट्रेन दोनों जोड़ देंगे तो आपको पूरा स्ट्रेन मिलेगा। यानी हम मान लीजिए कि एक्स वाई प्लेन है, ये मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, तो जो स्ट्रेन आपका एक्स वाई में होगा वो किसके बराबर होगा, तो गामा एक्स वाई बाई टू प्लस इसमें जो आया होगा स्ट्रेन प्लस इसमें जो आया होगा स्ट्रेन, गामा एक्स वाई अपॉन टू। इतना समझ में आया, टोटल शियर स्ट्रेन कितना होगा, तो दोनों स्ट्रेन को मिलाकर हम बोलेंगे टोटल शियर स्ट्रेन इन एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए एक चीज और थोड़ा सा नोट कीजिएगा,
स्ट्रेन टेंसर से पहले हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं स्ट्रेस टेंसर का, क्योंकि उसी से रिलेट करके लिखेंगे। स्ट्रेन टेंसर, स्ट्रेस टेंसर किनको किनको याद हुआ है अभी तक, एक बार अपने मन में दोहराइएगा, इसको लिखिएगा यहाँ पे, किनको किनको याद हुआ है लिखिएगा, थोड़ा सा अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, प्रैक्टिस करने का बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अभी ये कीजिएगा, सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, और क्या था यहाँ पे, टाउ एक्स और जेड, यहाँ पे बना लीजिए एक्स बाई जेड, इधर क्या था, एक्स प्लेन, बाई प्लेन और जेड प्लेन, तो क्या हो जाएगा एक्स और क्या हो जाएगा जेड, यही होगा। चलिए बीच, फिर इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे टाउ एक्स बाई सिग्मा बाई बाई, और क्या हो जाएगा टाउ, ये हो जाएगा बाई जेड, ठीक है, बाई प्लेन जेड डायरेक्शन। नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टाउ जेड, जेड प्लेन है तो जेड एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ बाई, और क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, यहाँ सिग्मा जेड जेड हो जाएगा। ये था क्या, स्ट्रेस टेंसर का एलिमेंट। स्ट्रेन टेंसर में क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस जहां था वहां पे लीनियर स्ट्रेन हो जाएगा, और लीनियर स्ट्रेन को हम लोग सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा सॉरी एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई, एप्सिलॉन जेड जेड से डिनोट करेंगे। और वहां पे क्या डिनोट करते हैं हम लोग, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई और सिग्मा जेड जेड, कहाँ पे, स्ट्रेस में, स्ट्रेन में क्या हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए कि नॉर्मल स्ट्रेस जहां पे था वहां पे लीनियर स्ट्रेन होगा, जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस था वहां पे लीनियर स्ट्रेन होगा, इसी को देख के पुट कर देना। जहां सिग्मा लिखल है तो वहां पे क्या लिख देना, एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अब आते हैं जहां पे शियर स्ट्रेस था वहां पे शियर स्ट्रेन लिखना है, बाई डिवाइडेड टू कर देना है, तो यहाँ पे क्या होता था, टाउ होता था, टाउ होता था, टाउ होता था, तो उसी की जगह गामा कर देंगे, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शियर स्ट्रेन बोल रहे हैं, गामा को हम लोग क्या बोलते थे, शियर स्ट्रेन। और उसमें क्या होता था, एक सेकेंड, यहाँ पे हम बगल में लिख, ऊपर बार बार देखने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रेस वाला, यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रेस वाला, इसके बगल में रहेगा स्ट्रेन वाला, तो अच्छा से कंपेयर हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, सिग्मा एक्स एक्स, यहाँ पे क्या था, एक्स बाई जेड था, ये एक्स बाई जेड, अब लिख लीजिए सिग्मा एक्स एक्स, ये सिग्मा क्या हो जाएगा, एक्स बाई नहीं सॉरी टाउ, यहाँ पे ना सियर स्ट्रेस एक्स बाई टाउ एक्स जेड, सेकेंड लाइन में टाउ एक्स बाई एक्स हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्या, सिग्मा बाई बाई, और ये क्या हो जाएगा टाउ बाई जेड। फिर तीसरा में आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ जेड एक्स हो जाएगा, टाउ जेड वाई हो जाएगा, और सिग्मा जेड जेड हो जाएगा। तो देखिएगा ये डायगोनल में आपका क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियर स्ट्रेन हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस मिलेगा उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन भी मिलेगा, ये चीज हम पहले ही से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसीलिए हम इतना पढ़ा भी रहे थे, ताकि आपको एक यही चीज हम ई लाइन में पहले बोलते थे आपको 0% समझ में आता, अभी लाइन में बोले होंगे कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा है उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन भी आएगा। तो ये चीज तो आपको क्लियर होगा कि जैसे यहाँ पे 2D फिगर से दिखा देते हैं कि ये वो आपका बॉडी है, इस डायरेक्शन में स्ट्रेस आ रहा है, तो इसी डायरेक्शन में क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में आपका स्ट्रेन भी आएगा। तो उसी प्रकार से जिस डायरेक्शन में आपका शियर स्ट्रेस होगा उसी डायरेक्शन में शियर स्ट्रेन भी होगा। लेकिन शियर स्ट्रेन हाफ क्यों होता है, तो अभी जस्ट बता दिए कि जो टोटल शियर होगा, टोटल शियर स्ट्रेन होगा एक्स वाई प्लेन में, वो किसका प्लेन, यहाँ का जो शियर स्ट्रेन होगा, यहाँ का जो शियर स्ट्रेन होगा, दोनों को समेशन होगा टोटल स्ट्रेन उस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन हो या वाई जेड प्लेन हो या जेड एक्स प्लेन हो, तो इसलिए हाफ यहाँ पे ले रहा है। तो शियर स्ट्रेन यहाँ पे स्ट्रेन टेंसर का भी एलिमेंट लिख लीजिएगा, क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ फेलियर पे। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यील्ड क्राइटेरिया एंड थ्योरीज ऑफ फेलियर। थ्योरीज ऑफ फेलियर आपके एग्जाम में कोई भी मतलब कोनो सेमेस्टर मतलब सॉरी कोनो सा ईयर में देख लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा थ्योरीज ऑफ फेलियर से, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है थ्योरीज ऑफ फेलियर। अब थ्योरीज ऑफ फेलियर है क्या, आपको अगर जनरल मीनिंग समझना है, ध्यान से सुनिएगा, थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या है, आपको एकदम जनरल मीनिंग समझना है, तो आपको आप ही के ऊपर एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, और ऐसे भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखिएगा कि लिखा होगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी बताओ, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी बताओ, मैक्सिमम शियर, इसके पांच थ्योरीज है, ठीक है। थ्योरीज ऑफ फेलियर का पांच थ्योरी है, उसमें कोई ना कोई एक दो को आपको डिफाइन करने दे देगा, या पांचों के पांचों डिफाइन करने के लिए दे देगा, ठीक है। उसका अलग अलग नाम भी है, रेनकाइंस थ्योरी, हाइज थ्योरी, ठीक है, बॉन मिसेस थ्योरी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, जो आपको सिलेबस में ऊपर लिखा होगा, है ना, ऊपर करके लिखा भी होगा टेस्ट का, इस एक सेकंड दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिएगा आपके जो सिलेबस ऊपर लिखे थे, यहाँ पे देखिए थ्योरीज ऑफ फेलियर में ट्रेस्का, बॉन मिसेस, हील क्राइटेरिया, हाई वेस्टगार्ड स्ट्रेस स्पेस, ठीक है। तो अलग अलग थ्योरीज है, इसको यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस
थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, इस तरह से आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। इस सिलेबस में लिख दिया दूसरा दूसरा नाम से, लेकिन सिलेबस में जो आपका एग्जाम है, एग्जाम में इसी या तो गेट का भी दीजिएगा तो इसी नाम से पूछा जाएगा पांच थ्योरीज को। मेन यही फेमस है, वो सिलेबस में लिख दिया है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, यही सब फेमस है, ठीक है, इसी नाम से। तो आइए इसी नाम से हम लोग पढ़ेंगे, साथ साथ में जो आपके सिलेबस में दिया है वो भी नाम हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो हाँ, क्या बोल रहे थे हम, कहां से स्टार्ट कर रहे थे कि थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या है, पहले आपको हम जनरल मीनिंग समझा देते हैं, ठीक है। जनरल मीनिंग क्या है, मान लीजिए कि आप कोई सामान लेकर जा रहे थे, ठीक है, मान लीजिए कि एक मार्केट गए थे आप, ध्यान से सुनिएगा, थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या है उसका हम जनरल मीनिंग आप ही के ऊपर समझा देते। मान लीजिए आप मार्केट गए थे, मार्केट से आप एक पॉलीथीन में चिमकी चीनी भर कर ला रहे थे, वो रास्ता में फट के गिर गया, सारा बिखर गया। अब यहाँ पे अलग अलग आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, मार्केट है तो आदमी खड़ा, यहाँ पे आदमी खड़ा ही होगा। अब ये आदमी बोल रहा है इसको ध्यान नहीं दे रहा था, ये मोबाइल चलाते हुए जा रहा था, तो क्या होगा, गिरेगा ही ना। तो इसका हो गया पहला थ्योरी, ठीक है, ये क्या थ्योरी लगाएगा कि ये ताक रहा था उधर, चल रहा था उधर, ये इसका हो गया दूसरा थ्योरी। मतलब सब यहाँ पे अपना अपना थ्योरी देखेगा, ये बोलेगा कि उधर तार रहा था, ठीक है, तो ये हो गया इसका तीसरा थ्योरी, ये बोलेगा उसको ताक रहा था, ये हो गया चौथा थ्योरी। इसी तरह से सब अपना अपना थ्योरी देगा, है ना, किसके लिए, जब आप यहाँ पे फेल किए, ठीक है, यहाँ पे फेल किए उसके लिए यहाँ पे अलग अलग थ्योरी है। यही दम सटीक यहाँ पे एग्जाम्पल है इसी का, कि जब मटेरियल फेल करेगा तो अलग अलग साइंटिस्ट अपना अपना यहाँ पे थ्योरीज देंगे, ठीक है, उस मटेरियल को सेफ करने के लिए। ये भी आपको क्यों समझा रहा था, ये बगल वाला जो आप लोग को बोल रहा था, क्यों बोल रहा था कि ऐसे बोलेंगे तो अगला बार से सही से जाएगा, इसीलिए बोल रहा था, ठीक है, नहीं तो अगर मतलब ऐसा नहीं होता तो गिर ही गया तो क्यों, मतलब ऐसा कोई बोलता है ना, कभी कभी सुनते होंगे कि अब गिर ही गया तो उसको बोल के क्या करोगे, तो नहीं बोलोगे तो आगे सीखेगा कैसे, है ना, तो इसीलिए बोला जाता है, बोलना जरूरी होता है। उसी तरह से यहाँ पे थ्योरी दिया गया, तो ये आपको एकदम जनरल ठेठ भाषा में समझा दिए कि थ्योरी ऑफ फेलियर है क्या। अब आते हैं सबसे दम ध्यान से पढ़ते चलिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार दीजिए या 6 स्टार दीजिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है, अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जितना पढ़े उससे ज्यादा। अब आते हैं ये फेलियर होता है, मान लीजिए कोई आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो मान लीजिए इस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते थे, तो मान लीजिए यील्ड स्ट्रेस पे पहुंचेगा, तब बोल दीजिएगा कि यील्ड स्ट्रेस पे जैसे ही पहुंचेगा हम बोल देंगे मटेरियल फेल। लेकिन यहाँ पे मटेरियल फेल करता है नहीं, ये कहाँ जाके करता है, जहाँ फ्रैक्चर पॉइंट होता है तो वहाँ पे फेल करता है। यानी आप एज्यूम करके चले थे कि जब मेरा मटेरियल का जो स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस पहुंच जाएगा, यील्ड स्ट्रेस पे मतलब पहुंच जाएगा, तब उसको हम लोग मटेरियल को क्या मान लेंगे कि फेल हो गया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो फेल नहीं हुआ था, आप माने थे, जैसे एक सटीक एग्जांपल आपके लिए देते हैं आपको बेटर समझने के लिए, जैसे आप एक मोबाइल लिए थे, ठीक है, अब मोबाइल में देख रहे हैं कि हैंग कर रहा है या सही से नहीं चल रहा है, या बैटरी आपका मतलब कि कुछ ही इकाई, एक घंटा चार्ज करते एक घंटा चलता है उसके बाद खत्म हो जाता है, तो आप वो मोबाइल को क्या कर देते, चेंज कर लेते, दूसरा मोबाइल ले लेते, है ना, तो क्या मोबाइल आपका खत्म हो गया था, मतलब एकदम चलना बंद हो गया था, नहीं, आप उस मोबाइल को वहां पर फेल मान लिए, ठीक है ना, आपके लिए वो मोबाइल आपके लिए क्या हो गया, वो फेल हो गया, अब आप नया मोबाइल लेंगे, ठीक है। लेकिन फ्रैक्चर क्या होता कि वो मोबाइल पूरा बंद हो जाता, थोड़ा खुलता भी नहीं, तो क्या हो गया, मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया। उसी तरह से मटेरियल में होता है कि एक मटेरियल होता है कि मतलब मटेरियल जब आप यूज करते हैं तो क्या होता है कि अगर आप जहां जिस पॉइंट पे माने हैं कि इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो हम मटेरियल को चेंज कर देंगे, ठीक है, जैसे यील्ड स्ट्रेस पे पहुंच गया तो आप बोले कि यहां पे हम मटेरियल को चेंज कर देंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए उस पॉइंट आपके लिए क्या था, वो फेलियर था, जैसे आप मोबाइल चेंज किए, ठीक है। फ्रैक्चर क्या होगा कि जब उस पर हम स्ट्रेस लगाए तो वो दो पार्ट में टूट गया, जैसे ये मटेरियल था एक, इस पर हम स्ट्रेस लगाए तो बीच से टूट गया, सेपरेट हो गया, ये इस पर क्रैक आ गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। तो फ्रैक्चर इज द अपीयरेंस ऑफ ए क्रैक और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मटेरियल इंटू टू और मोर पीसेस अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेस। जब आप उस पर स्ट्रेस लगाइएगा मटेरियल पे तो या तो उस पर क्रैक नजर आए या तो वो दो पार्ट में सेपरेट हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं, अब हम लोग थ्योरी ऑफ फेलियर पे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ फेलियर क्या है, पहले ध्यान से समझिएगा थ्योरी ऑफ फेलियर के, उसके बाद हम पांच जो थ्योरी ऑफ फेलियर है उस पर चलेंगे, यहाँ के बाद वहाँ, पहले यहाँ पे समझिएगा कि क्यों ये पांच थ्योरी ऑफ जो फेलियर है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ये पांच थ्योरी क्यों दिया गया, इसकी बात हम पहले समझते हैं। तो आपके पास मान लीजिए कि एक लैब में गए हैं, वहाँ पे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन देखे होंगे, है ना, या उसका लैब भी किए होंगे। उसमें लैब में क्या करते हैं हम लोग कि एक मशीन होता है, ये राजीव पाठशाला का शॉर्ट वीडियो में जाइएगा तो वहाँ पे सभी तरह के मशीन आपको दिखाया गया है ना। तो इस मशीन में हम एक रॉड को डालते हैं, यहाँ इसमें क्या करते हैं, एक रॉड को डालते हैं और हम पता करते हैं कि इस रॉड में कितना स्ट्रेंथ है। जब हम इसका स्ट्रेंथ पता कर लेंगे तो हम कब फेल करेगा वो भी बता देंगे, कितना स्ट्रेंथ है, इससे ज्यादा लोड दीजिएगा तो ये स्टील क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा,
पता कर सकते हैं। तो हम ये जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है यूटीएम, ध्यान से सुनिएगा, फिर से हम रिपीट करते हैं कि एक रड लेकर हम यूटीएम में डालते हैं। यूटीएम में क्या करते हैं कि इस रड को डालते हैं तो ये ऊपर खींचेगा, ये नीचे खींचेगा, तो इसमें खिंचाव होगा। खिंचाव के कारण देखेंगे कि इसमें कितना स्ट्रेस, कितना इस क्षमता है इसमें, है ना, और मैक्सिमम जितना स्ट्रेस होगा उसी को तो स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो यानी यहाँ से हम आसानी से पता कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एगो यूटीएम मशीन है, हम एगो रड लेते हैं, जाकर उसमें हम यूज करके पता कर देते हैं कि इसमें कितना मेरा स्ट्रेंथ है। ये तो बहुत आसान हो गया, मेरे पास मशीन है, जाके रड डालते हैं, उसका स्ट्रेंथ बता देता है, बहुत अच्छे बात है। ठीक है, ये कब करेगा, जब यूनि एक्सियल लोडिंग होगा तब, एक ही डायरेक्शन में लोड लगाएंगे तब। लेकिन यही जनरल लोडिंग कंडीशन आ जाए तब, ये जनरल लोडिंग कंडीशन का कहने का मतलब आप एक्स एक्सिस में भी लोड लगा रहे हो, एक्स एक्सिस में भी लोड लगा रहे हो तो यहाँ स्ट्रेस डेवलप होगा, यहाँ बाई डायरेक्शन में भी लोड लगा रहे हो, ये बाई डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे सीयर स्ट्रेस भी आप लगा रहे हो, आ रहा है इस पे। अब इस कंडीशन में इस मटेरियल का स्ट्रेंथ पता करना आप पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा मशीन ही नहीं है कि इस डायरेक्शन में भी आपका स्ट्रेंथ पता कर दे, इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेंथ पता कर दे, और इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेंथ पता कर देते, ऐसा मेरे पास मशीन ही नहीं है। बात समझ में यहाँ तक आया, ऐसा कोई मशीन ही नहीं है कि इसमें इसके स्ट्रेंथ को पता कर सके। ये तब यहाँ पे पांच थियोरीज को डेवलप किया गया, पांच थियोरी को प्रपोज किया गया, जिसमें पहला थियोरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियोरी, दूसरा है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियोरी, तीसरा है मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस थियोरी, चौथा है मैक्सिमम स्ट्रेन इनर्जी थियोरी, और पांचवा है मैक्सिमम सीयर स्ट्रेन इनर्जी थियोरी। अभी पांचों थियोरी कहता क्या है उसकी बात हम पांचों थ्योरी में देखेंगे। बस अभी हम इतना समझाएं कि अगर यूनि एक्सियल लोडिंग है तो स्ट्रेंथ पता करना बहुत आसान है, लेकिन जब जनरल लोडिंग कंडीशन होगा तो हमें डिफिकल्टीज सामने आती है, उसी को सोल्व करने के लिए, उसी को कम करने के लिए यहाँ पे पांच थ्योरी दिया गया है ना, कि इसको कैसे हम चेक करेंगे कि इसमें कितना स्ट्रेंथ है, तो वही पांचों थ्योरी में हम बारी बारी से देखने वाले हैं। तो यहाँ के पहले डिफिनेशन पढ़ें कि यहाँ क्या लिखा है, कि पढ़िएगा डिफिनेशन को, अंडर द यूनि एक्सियल लोडिंग प्रिडिक्शन ऑफ स्ट्रेंथ इजी इजी, यूनि एक्सियल है तो हम यूटीएम में जाएंगे, टेस्ट करेंगे, बता देंगे, हो गया खत्म, है ना। अंडर जनरल लोडिंग कंडीशन रहेगा तो प्रिडिक्शन ऑफ स्ट्रेंथ बिकम्स डिफिकल्ट, हेंस वेरियस थ्योरीज ऑफ फेल्योर हैव बीन प्रपोज्ड। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग जो साइंटिस्ट थे अलग अलग थ्योरीज का यहाँ पे क्या किए हैं, प्रपोज्ड किए हैं, खोज किए हैं, ठीक है, ईच ऑफ विच इज सुटेबल टू ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल और पार्टिकुलर स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ अजम्पशन मान लेते हैं, अजम्पशन कहने का मतलब वो जो हम टेस्ट करेंगे तो जरूरी है कि वो मटेरियल के कारण ही फेल हो, उसमें बहुत तरीके से फेल हो सकता है, लेकिन हम अजम्पशन में लेके चलेंगे कि जो जो हम फेल्यूअर चेक करें वो सिर्फ और सिर्फ किस में, किसके लिए, मटेरियल के लिए, है ना, और अदर टाइप अनस्टेबिलिटी वगैरह को नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है। यानी द थ्योरीज ऑफ फेल्यूअर डिस्कस हेयर कंसीडर ओनली मटेरियल फेल्यूअर, नॉट फेल्यूअर ड्यू टू अनस्टेबिलिटी, यानी बल्किंग बकलिंग वगैरह, जिसे लॉन्ग कॉलम में पढ़े होंगे कि इसमें क्या किसके कारण फेल होता है ये कॉलम, ये बकलिंग के कारण, यह टेढ़ा होकर फेल हो जाता है, तो ये सबको हम नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे, मटेरियल फेल्यूअर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो मेरा थ्योरीज ऑफ फेल्यूअर है वो किसके लिए है, मटेरियल फेल्योर के लिए है, और स्टैटिक लोडिंग के लिए, डायनेमिक के लिए नहीं, जैसे ब्रिज पे गाड़ी वगैरह चलता है तो उसमें कैसा डायनेमिक लोड है, हम लोग सिर्फ स्टैटिक लोडिंग के लिए पढ़ेंगे। तो थ्योरीज ऑफ फेल्योर डिस्कस्ड हियर आर एप्लीकेबल ओनली स्टैटिक लोडिंग कंडीशन, यानी दो चीज अजम्पशन में हम लोग लेकर लेकर चल रहे हैं, मटेरियल फेल्योर और स्टैटिक लोडिंग, ठीक है। तो ये आपके अगर एग्जाम में आएगा तो इसी चीज को लिखिएगा, थ्योरीज ऑफ फेल्योर पहले लिखिएगा कि यूनि एक्सियल लोडिंग की वजह से स्ट्रेंथ हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं, लेकिन वही जनरल लोडिंग कंडीशन हो तो थोड़ा डिफिकल्टी होता है। इसके लिए पांच थ्योरी डेवलप किए गए हैं, प्रपोज्ड किए गए हैं, उस पांचों थ्योरी का भी हम जस्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें अजम्पशन लेंगे कि मेरा मटेरियल फेल्योर होगा, लोडिंग कैसा होगा, स्टैटिक लोडिंग होगा, ठीक है, क्लियर है। अभी पांच थ्योरी है जो आपके सिलेबस में अलग अलग नामों से लिखा गया है ना, अलग अलग नामों से लिखा गया, जैसे वहां पे बोन मिसेस थ्योरी देखे होंगे, ट्रेस्का थ्योरी देखे होंगे, आपका हाइस थ्योरी देखे होंगे, तो ये आपके जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, भले सिलेबस में लिखा है वो सब नाम, ठीक है, ट्रेस्का, बोन मिसेस, हाइस थ्योरी, ठीक है, लेकिन यहाँ जो आपका सिलेबस PYQ देखिएगा या गेट का एग्जाम दीजिएगा तो जनरली इसी नाम से पूछा जाएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी बताओ, मैक्सिमम सियर स्ट्रेस, वो भी नाम से पूछा जा सकता है, जैसे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के रैंकाइन थ्योरी के नाम से जानते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को रैंकाइन थ्योरी के नाम से जानते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी का मैक्सिमम सियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को हम लोग गेस्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे लिख ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कौन सा नाम से पूछ दे, गेस्ट्स, GUEST, यहाँ से ये गेस्ट थ्योरी, ठीक है, गेस्ट थ्योरी के भी नाम से पूछेगा,
और उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी को आपको हाइस्ट थ्योरी एच ए आई है, ठीक है, एच ए आई जी एच हाइस्ट थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ थ्योरी को हम लोग बोन मिसेस थ्योरी या डिस्टॉर्शन इनर्जी थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग नाम भी है, उसको भी हम लास्ट में टेबल बना दिए हैं, यहाँ पे लास्ट में हम सब टेबल बना दिए कि आपको याद करना आसान हो जाएगा। देखिएगा क्या क्या थ्योरी है, क्या कंडीशन है, क्या फेलियर इनवेलप है, जो पांचों थ्योरी पढ़ेंगे ना उसका हम यहाँ पे एक टेबल बना दिए ताकि आप एकदम आसानी से याद हो जाए आपको, ठीक है। हाँ डिटेल में भी पढ़ेंगे लेकिन याद रखना हो तो इस टेबल से याद रख लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल बना दिए, इस टेबल के थ्रू आप जिंदगी भर याद रख सकते हैं, बस ये टेबल को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, फर्स्ट थ्योरी है यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या कहता है, ये जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है इसे रेनकाइन ने दिया था, इसलिए इसको हम लोग रेनकाइन थ्योरी के नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज रेनकाइन थ्योरी। यहाँ पे जो थ्योरी बोलता है, जो रेनकाइंस बताए थे कि एज पर द थ्योरी फॉर नो फेलियर, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मटेरियल ना फेल हो उसके लिए क्या होगा कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है यानी सिग्मा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब सिग्मा वन का जो वैल्यू होगा वो शुड बी लेस देन यील्ड स्ट्रेस अंडर द यूनि एक्सियल लोडिंग। यानी जब आप यूटीएम में गए थे, अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप यूटीएम में गए थे तो उसका जो यील्ड स्ट्रेस आया होगा, यील्ड स्ट्रेस आया होगा उससे कम रहे कौन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, तब आप समझिएगा कि आपका मटेरियल क्या है, सेफ है। ये थ्योरी कौन दिए थे, रेनकाइन थ्योरी, और इस थ्योरी का नाम क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। कहने का मतलब एग्जांपल से समझाते हैं कि यहां कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस हो गया, यहां पे क्या हो गया, सिंपल टेंशन टेस्ट हो गया। तो सिंपल टेंशन टेस्ट मतलब यूटीएम में जाकर आप किए थे, यूटीएम में किए थे तो इसका यील्ड स्ट्रेस पता हो गया था आपका, यील्ड स्ट्रेस वहां से हम निकाल लिए। अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस में आएंगे, यहाँ पे हम आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेंगे। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, जो आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े होंगे, और इसीलिए हम खाली सिग्मा वन भी लिख देते चल जाता, सिग्मा वन जो होता है कम होगा सिग्मा वाई से, हो गया इतना ही तो थ्योरी है इसका। अरे इतना ही थ्योरी है इसीलिए हम इतना डिटेल कर रहे हैं ना कि आप पीछे से नहीं पढ़े, नहीं तो हम एक लाइन में इसको खत्म कर देते, ठीक है। तो समझिएगा आप ही के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। सुनिएगा यहाँ जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो लेस देन हो जाए किससे, इसका यील्ड स्ट्रेस से, तो इसी को हम बोलेंगे कि मेरा मटेरियल सेफ है, मेरा मटेरियल क्या है, सेफ है। फेलियर कब हो जाएगा, जब सिग्मा का जो सिग्मा वन का वैल्यू है यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो आपका यील्ड स्ट्रेस से अगर बड़ा हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हमको सेफ रखना है मटेरियल, तो सेफ रखने के लिए क्या करेंगे, लेस देन, ठीक है। अब समझिएगा ये सिग्मा वन क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है जिसका वैल्यू होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे सभी वैल्यू आपका गिवन रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा, तीनों वैल्यू दिया रहेगा। पुट कर लीजिएगा, मान लीजिए आ गया इसका वैल्यू 100 न्यूटन पर mm², कितना आ गया, 100 न्यूटन पर mm² आ गया, वैल्यू दे देगा। अगर न्यूमेरिकल सोल्व कीजिएगा ना तो इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू, तो सिग्मा वन यहाँ से निकल, क्योंकि सब फॉर्मूला खाली बैठाना है, यही आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, नाम भी लिख लीजिएगा, यही आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्ट्रेस है जिसको हम सिग्मा वन से लिख रहे हैं, ठीक है। अब मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा टू, ठीक है, सिग्मा टू। तो अब समझिएगा एक सेकेंड, देखिएगा यहां पे, तो जब मान लीजिए कि सिग्मा वन कितना निकल गया, एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि अभी नहीं पूछिएगा बाद में कि 100 कहां से आ गया, ये सब वैल्यू पुट कीजिएगा ना, तो जो भी वैल्यू आएगा हम एग्जाम्पल के लिए मान लिए कि 100 न्यूटन पर mm² आ रहा, और सिग्मा वाई का वैल्यू यील्ड स्ट्रेस आ गया था 400 न्यूटन पर mm², 400 न्यूटन पर mm². तो यहां पे देख रहे हैं सिग्मा वन का वैल्यू यील्ड स्ट्रेस से क्या है, कम है, तो कम है तो ये आपका क्या हो गया, सेफ हो गया। फेल कब हो जाता, जब ये ज्यादा हो जाता, सिग्मा वन का वैल्यू ज्यादा हो जाता तो फेल हो जाता, यही थ्योरी है इसका, ठीक है। अच्छा फैक्टर ऑफ सेफ्टी से यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, गुना कर देते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भागा कर देते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्यों करते हैं, सेफर कंडीशन के लिए, ठीक है। डिजाइन हम जब करते हैं तो जितना यील्ड स्ट्रेस आ रहा था तो उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भागा देने के बाद भी कम रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए सिग्मा वन है और यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू कितना था, 400 था ना, मान लीजिए 2 इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं तो 2 से काट देंगे 200, तो देखिए इसका आया था 100 ये वैल्यू, 200 से क्या है, कम है, मतलब अभी भी क्या है, सेफ है, और सेफ ही रहना चाहिए मटेरियल। तो देखिए कितना आसानी से पता कर लिए, हमको मेरे पास ऐसा कोई मशीन नहीं था जिसमें कि हम इसको डाले, इस रड को डाले और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सब में पता कर दे, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं ना कि पहले हम एगो पेज पर कैलकुलेट कर ले कि इसमें कितना मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आने वाला है, और इसके यील्ड स्ट्रेस से उसको हम यूटीएम में चेक करें कि उसका यील्ड स्ट्रेस कितना है और उससे हम कंपेयर कर ले, अगर लेस देन होगा सिग्मा वन का वैल्यू तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, मेरा मटेरियल सेफ है। तो वही यहाँ पे थ्योरी बोला था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। एक सेकेंड, थ्योरी लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है, ये न्यूमेरिकल इसे एक भी नहीं पूछा है,
आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, बस थ्योरी लिखना है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्टेज थ्योरी होता है, थ्योरी का अच्छा से सीखिएगा। पहले तो लिखिएगा ऑल्सो नोन एज रेनकाइन थ्योरी, थ्योरी एज पर द थ्योरी फॉर नो फेलियर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस शुड बी लेस देन यील्ड स्ट्रेस अंडर यूनि एक्सियल लोडिंग। जब आप अंडर यूनि एक्सियल लोडिंग लगाए थे तो जो यील्ड स्ट्रेस आया था उससे कम होना चाहिए, कौन? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मतलब सिग्मा वन कम होना चाहिए सिग्मा बाई से। और अगर इस पे आओ आप दे दीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यील्ड बाई मतलब यहाँ पे क्या है, यील्ड है, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, बाई मतलब यील्ड स्ट्रेस, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देने के बाद भी कम होना चाहिए, तब आपका मटेरियल क्या रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है, सेफ, नो फेलियर, यहाँ पे लिखा हुआ है नो फेलियर। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। अब इससे ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसकी बात करते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा, बोलेगा कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो बोलिएगा रेक्टेंगल, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है, याद रखिएगा। यूज किस मटेरियल के इस टेस्ट को यूज करते हैं, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए इसको हम यूज करते हैं, ब्रिटल मटेरियल के, डक्टाइल मटेरियल के लिए नहीं, ठीक है। जो हम एग्जाम्पल दे रहे थे वो कैसा मटेरियल होना चाहिए, जो हम टेस्टिंग के लिए ले गए हैं वो आपका ब्रिटल मटेरियल होना चाहिए, और यही एक थ्योरी है जिसमें ब्रिटल मटेरियल का यूज किया जाएगा, बाकी सब में डक्टाइल मटेरियल यूज किया जाएगा। ये जो रड होगा ना ये ब्रिटल मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि स्टील का रड हो ये तो डक्टाइल मटेरियल हो जाएगा, तो यानी ब्रिटल मटेरियल होना चाहिए। इसका यूज किस मटेरियल, यही एक थ्योरी है, यानी याद रखिएगा कि जो एक आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है ये किस थ्योरी, किस मटेरियल के लिए थ्योरी दिया गया है, तो बोलिएगा ब्रिटल मटेरियल के लिए। और कैसा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है, रेक्टेंगल, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, ठीक है। तो दिस थ्योरी इज मोस्ट सुटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल, इट इज नॉट सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल। इसका प्रिडिक्शन रेशियो होता है 1, इसका प्रिडिक्शन रेशियो कितना होता है 1। तो ये तीन चीज आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, या आप जैसे मान लीजिए थ्योरी आगे लिखने के लिए तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रेक्टेंगल होता है, यूज करते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए, इसका प्रिडिक्शन रेशियो 1 होता है, इस तरह से करिएगा तो और दो चार पॉइंट बढ़ जाएगा। अब हम लोग आते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी क्या कहता है कि एज पर दिस थ्योरी फॉर नो फेलियर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, जैसे वहां पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस था, वहां पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस था, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन है, तो शुड बी लेस देन मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन। जो आप यूटीएम में जब जाइएगा तो जिस डायरेक्शन में आपको स्ट्रेस दे रहा था उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन भी आएगा, तो जो आपका यूनि एक्सियल लोडिंग में जो स्ट्रेन आएगा जिसको हम लोग मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन बोल रहे हैं उससे कम होना चाहिए, कौन? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। अभी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंडीशन लिख दिए हैं और यहाँ पे क्या है आपका सिंपल टेंसाइल टेस्ट है, तो मैक्सिमम स्ट्रेन कैसे निकलेगा, तो अभी यही चीज तो सिखाए थे पीछे कि जिस डायरेक्शन में हमको कौन सा डायरेक्शन में चाहिए, सिग्मा वन डायरेक्शन में, और अगर हम उसको लैटरल डायरेक्शन में जाते थे तो म्यू टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे, याद है? अच्छा उतना अभी छोड़िए, पहले स्ट्रेस वाला पीछे वाला सीखे थे, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता था, स्ट्रेन होता था। स्ट्रेस वाला थ्योरी अभी पीछे पढ़े ना, उसी में स्ट्रेस जो होता था सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्साइलन होता था, इसी को अगर हम हटाते थे प्रोपोर्शनलिटी तो एप्साइलन इंटू क्या होता था, ई होता था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमको स्ट्रेन निकालना है, तो सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो मैक्सिमम वाला निकाल रहे हैं हम, मैक्सिमम स्ट्रेन निकालना है तो मैक्सिमम बाई ई, और लेटरल के लिए माइनस म्यू टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे, पीछे हम स्ट्रेन में समझा कर आए हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेन निकल गया कहाँ पे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन निकल गया, और इसका स्ट्रेन कितना होगा, तो आप जानते हैं स्ट्रेस अभी जान रहे थे कितना है, सिग्मा बाई है ना, सिग्मा बाई स्ट्रेस था किसके लिए, यूनि एक्सियल में, तो हम स्ट्रेन बनाना चाहते हैं तो ई से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेन जो होता है स्ट्रेस का डायरेक्टली, स्ट्रेस जो होता था वो स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, एक सेकेंड, स्ट्रेस जो होता था स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, इसको हटाते थे तो सिग्मा इजकल टू क्या आता था, सिग्मा इजकल टू एप्साइलन ई, और ई अगर हम एप्साइलन चाहिए स्ट्रेन चाहिए तो सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी सिग्मा अपॉन ई हो जाएगा स्ट्रेन के लिए, तो इधर भी तो स्ट्रेन हमको चाहिए मैक्सिमम, तो ई कितना होगा, सिग्मा बाई ई, हमको पहले से यील्ड स्ट्रेस पता है, उसी में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ का जो स्ट्रेन है यानी यूनि एक्सियल लोडिंग का जो स्ट्रेन है और ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन का जो स्ट्रेन है वो लेस देन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि मेरा मटेरियल क्या है, सेफ है, यानी ई मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, ये ई कौन सा स्ट्रेन है, यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन
स्ट्रेन जो लेस देन होगा किससे, जो यूनि एक्सियल का जो स्ट्रेन आया, तो यूनि एक्सियल का स्ट्रेन कितना आया, सिग्मा बाई अपॉन ई इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी से गुना कर देते हैं सेफर कंडीशन के लिए, और सेफ कंडीशन के लिए। तो ये अगर लेस देन है तो बोलते हैं मेरा मटेरियल क्या है, सेफ है। अगर ये ग्रेटर देन हो जाता तो क्या हो जाता, आपका मटेरियल फेल हो जाता। यानी हम फिर से एक बार बोलते हैं, कि जो आपका आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन यहाँ पे देखिएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन ये कौन सा है, प्रिंसिपल स्ट्रेन वाला, ठीक है, वो क्या होगा, तो ये आपका सिग्मा वन जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस था उसको डिवाइड कर देंगे तो स्ट्रेन बन जाएगा, म्यू टाइम्स ये आपका मिनिमम शियर स्ट्रेस था, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस था उसको हम ई से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या बन गया, आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन बन गया, जो कम होना चाहिए। कम होना चाहिए किससे, आपका जो यूनि एक्सियल में जो यूनि एक्सियल लोडिंग के बाद जो स्ट्रेन डेवलप हो गया, तो ये तो स्ट्रेस था, इसको हम यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी से भागा दे देंगे तो स्ट्रेन बन जाएगा, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या कर देंगे गुना। तो इस कंडीशन जब ये फॉलो करेगा तब बोलेंगे कि मेरा मटेरियल क्या है, सेफ है। अगर यही ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा तो आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यही थ्योरी दिए थे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, जो थे साइंटिस्ट का नाम सेंट वेनेंट्स थ्योरी, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, तो थ्योरी हो गया। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, रैम्बस होता है, रैम्बस समझते हैं ना, इस टाइप का, ठीक है। तो ये आपका रैम्बस है और प्रिडिक्शन रेशियो 0.77 है। ये किस मटेरियल का यूज किया जाता है, तो ये तो ना तो एक्यूरेट वैल्यू देता है ब्रिटल के लिए, ना ही देता है डक्टाइल के लिए, ना ब्रिटल के लिए ना डक्टाइल। अब हम लोग तीसरा थ्योरीज पर बढ़ते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरीज को हम लोग गेट्स थ्योरीज के नाम से भी जानते हैं। ये थ्योरीज क्या बोलता है, एज पर दिस थ्योरी फॉर नो फेलियर एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है आपका टाउ मैक्स जो होगा लेस देन होगा किससे, शुड बी लेस देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अंडर यूनि एक्सियल लोडिंग, यानी सिग्मा बाई अपॉन टू। अब यहाँ दोनों शियर स्ट्रेस है ना, दोनों शियर स्ट्रेस है यहाँ पे, ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जिसमें हम लोग तीन कंडीशन में लेते हैं, सिग्मा वन माइनस थ्री बाई टू और एफ बाई जो आपका, यानी सिग्मा बाई अपॉन टू हो जाएगा। यानी ऐसे सीधा सीधे बोले, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू लेस देन होगा किससे, सिग्मा बाई अपॉन टू इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या क्यों लेते हैं, और सेफ करने के लिए। तो यानी जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो यील्ड स्ट्रेस से, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से क्या होगा, कम होगा, तो हम बोलेंगे कि मेरा मटेरियल क्या है, सेफ है। बस यही सब वैल्यू आपको याद रखना है और लिखना है कि सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बराबर लेस देन होगा आपका यील्ड स्ट्रेस टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, और सेफ बनाने के लिए। तो यही आपका है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। यहाँ पे देखिएगा कॉम्प्लेक्स कंडीशन, इधर सिंपल टेंसाइल टेस्ट में, तो यहाँ पे जो टाउ मैक्सिमम लेस देन होगा सिग्मा बाई अपॉन टू एफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। टू देखिए, ये सिग्मा बाई अपॉन टू होता है, ये बाद में ना कैंसिल आउट होता है, जब टाउ मैक्सिमम का वैल्यू मान लीजिए सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बटा टू होगा, और लेस देन किससे, सिग्मा बाई अपॉन टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये बाद में कैंसिल होगा ना, ये तो ये पूरा का वैल्यू क्या है, टाउ मैक्सिमम का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू है बटा टू, ये तो पूरा का वैल्यू हो गया, तो टू आपको बाद में लगाना है, तो ये छूट गया होगा मिस्टेक से, यहाँ पे टू लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है, यहाँ पे टू ऐड कर लीजिएगा, कब, जब आप टाउ मैक्सिमम लिखिएगा तब, कि टाउ मैक्सिमम है यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो लेस देन होगा आपका यील्ड स्ट्रेस टू द टू टाइम्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होता है, हेक्सागोन होता है, कैसा होता है, हेक्सागोन। किस मटेरियल के लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए। इसका प्रिडिक्शन रेशियो कितना है, 0.5। तो ये आपको याद रखना है, टेबल में भी हम दे दिए हैं, ठीक है, लिख दिए टेबल में भी उसे। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं चौथा थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन इनर्जी थ्योरी, जिसको हैश थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, HAIGHS हैश थ्योरी, यहाँ पे HI लिखा गया, ठीक है। इस थ्योरी क्या बोलता है, कि जो आपका, अगर आप चाहते हैं कि आपका मटेरियल फेल ना करे, तो जो जनरल कंडीशन, जनरल लोडिंग कंडीशन है, उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा, वो आपका यूनि एक्सियल लोडिंग का स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, ठीक है। हम स्ट्रक्चर ही सबका एक जैसा लिख दिए, खाली आपको वैल्यू सबका याद रखना है कितना दूर, अगर आप चाहते हैं एग्जाम में लिखना, जैसे गेट, आपको अगर मान लीजिए गेट एग्जाम देना है, तो थोड़ा इसमें और डीप नॉलेज होना चाहिए कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालेंगे, लेकिन हमें तो सेमेस्टर एग्जाम में लिखना है, तो सेमेस्टर एग्जाम में लिखना है, बस इतना दूर याद रखना है आपको, हर एक के लिए, है ना, हर एक थ्योरी के लिए बस हमको थोड़ा थोड़ा याद रखना चाहिए कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा यूनि एक्सियल लोडिंग में, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सब में तो एकदम सेम प्रकार का स्ट्रक्चर तो सबका सेम है ना। अब बाकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं वो सब लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, है ना। तो कम्प्लेक्स कंडीशन जो होगा,
और सिंपल टेंसाइल टेस्ट होगा, उसमें हम कंपेरिजन करेंगे, तो जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो वैल्यू है 1/2E सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का, यहाँ सब वैल्यू दे देंगे। जैसे मान लीजिए इसका दे दिए 5, सिग्मा 2 का वैल्यू दे दीजिए मान लीजिए 3, ठीक है, पुट कीजिए बनाइए, म्यू का वैल्यू दे दीजिए मान लीजिए 1, ठीक है, तो इस तरह से पुट कीजिए बनाइए सोल्व कीजिए, यहाँ पे 2D रहेगा तो सिग्मा 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो ये सब वैल्यू दिया रहेगा आपको सोल्व करके पता करना, लेस देना आएगा तो सेफ है, ग्रेटर देना आया तो फेल हो गया, है ना। तो सेमेस्टर के एग्जाम में इससे ज्यादा आपको जानना भी नहीं है, ठीक है। अगर बाकी डिटेल में और पढ़िएगा तो मतलब और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन हमें थ्योरी लिखना है एग्जाम में इतना काफी है, न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर से आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। 1/2E इंटू सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू, सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 इंटू सिग्मा 1, ये लेस देन होगा किससे, जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी होगा पर यूनिट वॉल्यूम, यानी सिग्मा बाई का होल स्क्वायर अपॉन 2E, ठीक है। इसे ई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, इसको और सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 का वैल्यू लेस देन होना चाहिए, ठीक है। इक्वल तो हो जाएगा फेल, इक्वल और ग्रेटर देन फेल, तो सिग्मा बाई का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होता है, इलिप्स होता है, और कौन सा मटेरियल के लिए होता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे पांचवा अपना लास्ट थ्योरी है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसको बॉन मिसेस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी होता है तो ये क्या होगा, तो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा, वो डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग से लेस देन होना चाहिए। ये सब तो बस इतने तो आपको यादें करना है ना, इतने तो यादें करना है यहाँ पे, कि मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जो लेस देन हो किससे, डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग से, है ना, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, अगर इस कंडीशन पे वो सेफ रहता है तब, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंडीशन इधर सिंपल कंडीशन है, यहाँ पे 1/12G इंटू 1 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर लेस देन होगा किससे, सिग्मा बाई का होल स्क्वायर अपॉन 6G से। इसको डिवाइड करें तो 6 × 2 = 12, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर लेस देन सिग्मा बाई 2 times, ना यानी भागा में है तो उधर जाके गुना में हो जाएगा, 2 times सिग्मा बाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलिप्स होगा, यूज करेंगे हम लोग डक्टाइल मटेरियल के, इसका प्रिडिक्शन जो वैल्यू होगा 0.62 होगा, इसका प्रिडिक्शन रेशियो कितना होगा 0.62, ठीक है। अब आइए इसको एक टेबल में हम समझा देते हैं, जो अभी जितना पढ़े हैं उसको हम टेबल्स में समझा देते हैं, कि ये थ्योरी था, इधर कंडीशन था, आई फेल्योर इनवेलप है, तो फेल्योर इनवेलप में किस कैसा होता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर, और किस मटेरियल के लिए ब्रिटल, इतना ही तो याद रखना है आपको, है ना। और इसका जो वैल्यू होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू लेस देन होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा यील्ड स्ट्रेस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने से, और ये सेफ कंडीशन में चला जाएगा, और मतलब आपका जो मटेरियल है वो और सेफ हो जाएगा, ठीक है, कब, जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि इसका आया था मान लीजिए 90 आया था, 90 N/mm², यील्ड स्ट्रेस है 400 N/mm², है ना, इसको हम 2 से डिवाइड करते तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से 200 N, तो या उस और सेफ हो गया, ठीक है। इसको हम लोग रैंकाइन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, उसको हम रैंकाइन थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसमें जो होता है सिग्मा 1 होता है लेस देन सिग्मा बाई होता है, बस इतना ही तो याद रखना है, ठीक है। और किसके लिए होता है स्क्वायर, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम में टाइम नहीं बच रहा है और आपको ये चीज लिखना है, आ भी रहा है, टेबल बना के चलाइएगा नंबर दे देगा, मतलब 5 को थ्योरी लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको 5 थ्योरी लिखना है और आपको टाइम नहीं बच रहा है, ठीक है, टाइम नहीं बच रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि थ्योरी लिखना नहीं है, टेबल ही बना देना है, फुल नंबर दे देगा, एक आध नंबर काट सकता है, जैसे 7 नंबर का है तो 6 नंबर देगा, लेकिन आपको नंबर ज्यादा नहीं काटेगा, ठीक है। ये समझेगा कि उसको आता है तभी टेबल बनाया, सब चीज तो नोट कर दिया है, ये कहिए थोड़ा डिटेल में नहीं लिखा है ना, थ्योरी बना के नहीं लिखा है तो टाइम कम होगा, लेकिन कंसेप्ट तो उसका 100% मिल गया है। तो थ्योरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और रैंकाइन थ्योरी हो तो सिग्मा 1 लेस देन होगा सिग्मा बाई से, फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो सब में डिवाइड करेंगे, फेलियर इनवेलप इसका स्क्वायर और ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जो होता है जिसे सेंट बेनेट्स थ्योरी भी कहते हैं, वो क्या होता था, ये आपका जो स्ट्रेन होता था यहाँ पे स्ट्रेन होता था वो लेस देन किससे होगा, यहाँ का जो स्ट्रेन आएगा यानी सिग्मा बाई अपॉन ई क्या कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा, किसके लिए, अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग के लिए, उसे कम होगा, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। ये कहाँ से आया था, ये एप्सिलॉन मैक्सिमम जो था वो सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 अपॉन ई, मतलब बस इतना जो लिखा हुआ है उसको आपको खाली याद रखना है, बस इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है ना। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा था, रैम्बस, और कैसे ना, तो ये एक्यूरेट था ब्रिटल के लिए ना ही डक्टाइल के लिए, ठीक है।
तीसरा पे आते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और गेस्ट थ्योरी। इसमें क्या था, यहाँ टू से डिवाइड करना भूल गए थे ना, वहाँ पे भी बता दिए, टू से कर लीजिएगा ठीक है। अभी टाउ मैक्स जो था वैल्यू क्या था, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टू, और ये लेस देन होगा किसे, सिग्मा बाई अपॉन टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू लेस देन होगा सिग्मा बाई से ठीक है। ए इसका जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, हेक्सागोन होता है मटेरियल डक्टाइल मटेरियल के लिए। उसी तरह से चौथा में आइएगा, तो चौथा में मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी था, जिसको हम लोग हाइस थ्योरी और बेल्ट्रामी थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। ये थ्योरी क्या कहता था कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अंडर यूनि एक्सियल लोडिंग से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ठीक है। उसमें जो इनवेलप बनेगा यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा, इलिप्स होगा, मटेरियल कैसा होगा, डक्टाइल मटेरियल होगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी क्या कहता था कि इसमें बोलता था आपको कि जो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो लेस देन होना चाहिए डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इन अंडर यूनि सॉरी अंडर यूनि एक्सियल लोडिंग ठीक है। तो इसको जो हम बोलते थे मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी बोलते थे। और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इलिप्स होता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए होता है, और इसको 6 दूनी 12 2 से काट दिए थे, तो इसको सिंपल से याद रखना है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन का होल स्क्वायर लेस देन टू टाइम्स ऑफ सिग्मा बाई का होल स्क्वायर। ये आपके लिए इनफ है आपके सेमेस्टर के एग्जाम के लिए ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि, और अगर आप जब गेट कीजिएगा तो थोड़ा बहुत आपको इसी पे क्वेश्चन कर लेना है, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में बस इतना थ्योरी आप लिख के चलाइएगा, आपका काम बन जाएगा ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक सीखे हैं वो सभी टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लिए, जनरलाइज्ड स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टेंसर, यील्ड क्राइटेरिया एंड थ्योरी ऑफ फेलियर में हम लोग ट्रेस्का, बॉन मिसेस, यील्ड क्राइटेरिया, हाई थ्योरी सभी देख लिए यहाँ पे ठीक है। तो ये पांच थ्योरी जो होता है, थ्योरी ऑफ फेलियर पांच ही थ्योरी जो होता है, जो आपको पांचों थ्योरी यहाँ पे बता दिया गया है ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्ट्रेस सीखे, फिर उससे हम लोग स्ट्रेस टेंसर सीखे, फिर स्ट्रेन टेंसर सीखे, स्ट्रेन के बारे में भी अच्छे से समझा दिए ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर फेल्योर और फ्रैक्चर के बारे में समझे, फिर थ्योरीज ऑफ फेल्योर समझे, जो पांचों लिखा जाएगा कि नहीं ठीक है। अगर बताइएगा, जैसे मैराथन क्लास है तो इसमें जो हम आपके मैराथन के लिए यानी सेमेस्टर एग्जाम के लिए इनफ है। अगर और इसको डिटेल में चाहिएगा, जैसे एग्जाम गेट का एग्जाम दीजिएगा ना, तो हम गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे ठीक है। पूरा तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन उसका जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी 2010 11 12 ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम जैसे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं सेमेस्टर का, उसी तरह से हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर करके बताएंगे, उसमें इस पे न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे, क्योंकि आपके सेमेस्टर में तो पूछा है नहीं। तो अभी वेट कीजिए, जैसे सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम दीजिएगा ना, तो आप लोग के लिए लेकर आएंगे गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे ठीक है। बस खाली गेट का प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा है ना गेट के एग्जाम के लिए। मतलब नहीं तो अगर खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लीजिएगा तो आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा, और जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा और पढ़िएगा और ज्यादा आपका मार्क्स आएगा ठीक है। तो हम लोग जरूर एक मतलब स्टार्ट करेंगे गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वहां पे और इसको डिटेल में समझाएंगे, अभी सेमेस्टर एग्जाम के लिए इतना काफी है ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और एक चीज बता दें, अभी तो हम आप बोले थे, आपको बार बार बोल रहे थे कि मॉड्यूल फर्स्ट को आप अच्छे से पढ़ के देखेंगे, यहां से हम चैनल से ऑब्जर्व करेंगे कि आप लोग कितना उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना डाउट पूछ रहे हैं, उसके बेसिस पे वीडियो अपलोड होगा। लेकिन आप लोगों ने अभी तक मेरा जो डिमांड था फुलफिल नहीं किया, तो हम भी आपका नहीं करेंगे, आज हम कर दे रहे हैं अपलोड। कल से जब तक आप नहीं पढ़िएगा, जब तक डाउट नहीं पूछिएगा, जब तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक नेक्स्ट मैराथन आपका नहीं होगा ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेशन अपलोड किया गया, सभी को अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, कहीं डाउट हो तो एग्जाम से पहले आप पूछिएगा, हम आपको मतलब डॉट क्लियर करेंगे। एग्जाम के टाइम में नहीं, कोई बोलते हैं कि आप तो बोलते हैं फिर भेजते हैं तो रिप्लाई नहीं देते हैं, तो एग्जाम के टाइम में इतना मैसेज आता है, इतना मैसेज आता है कि वो नीचे चला जाता है ना, और उतना ध्यान भी नहीं मतलब जाता है, नीचे चला जाता है मैसेज, तो क्योंकि एक ही काम नहीं ना हम मतलब और लोग पढ़ाते होंगे तो वहाँ पे अलग होते हैं पीडीएफ बनाने वाले, अलग होते हैं पढ़ाने वाले, अलग होते हैं अपलोड करने वाले, हमको सारा काम खुद ही करना पड़ता है। खुद से नोट्स भी बनाओ, खुद से पढ़ाओ भी, खुद से एडिट भी करो, खुद से अपलोड भी करो है ना, खुद से थंबनेल बनाओ, खुद से उसका डिस्क्रिप्शन लिखो, सारा कुछ खुद से ही करना पड़ता है, तो टाइम भी थोड़ा कम मिलता है, ये भी सोचिएगा। और थोड़ा घर का भी काम होता है, ऐसा थोड़ी कि मतलब खाली मेरा काम है आके यहाँ पे पढ़ाना, हर एक व्यक्ति का अपना पर्सनल भी काम होता है ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल का मैराथन करेंगे, यानी मॉड्यूल नंबर 3 जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है।